सलाम भाई। भाई गणिया आ गया है। एक बार खटमल को छोड़ देना मगर आस्तीन के सांप को नहीं। भाई इसका वीजा लग गया, अब भूमिका तेरी हुई और गुंडा पल्ली मेरा हुआ। सिनेमा एक अनुभव है, एक आविष्कार है। सिनेमा ऐसी कला है जो हमें सपने दिखाता है जिन्हें हकीकत में हम पूरे नहीं कर सकते। हमारी जिंदगी को खुशी का कष्ट देता है सिनेमा। सिनेमा जहां हंसाता है वहां रुलाता भी है। सिनेमा वो गजल है, वो गीत है जिसे देखते ही हमारी निकल जाती है। सुपर्ब, वन टेक, ओके सर, माइंड ब्लोइंग शॉट। अबे आंग पे मत आ बेटा डायरेक्टर, इस हंसते हुए रोमानी चेहरे को तूने देवदास की बना दिया मेरे भाई। सर आप एक्टिंग के नहीं, एक्टिंग आपकी मौत आ जाए ऐसा मुझे लगता है। वेरी डेयरिंग स्टेटमेंट, आप पेमेंट कब दे रहे हैं? डायरेक्टर आ रहे हैं, आप रेडी हो जाइए। तो तू कौन था? ओके थैंक यू सर। अभी कमाल का शॉट था यार। अरे तारीफ वैनिटी में कर लेना। चलो चलो सब लोग तैयार हो जाओ, डायरेक्टर आने वाले हैं, जल्दी करो। मैं तो आ गया हूँ लेकिन अब तेरे जाने का टाइम हो गया बेटा। ज्यादा चपड़ चपड़ की तो कान पट्टी दूंगा। तुम्हें पता है मेरी गैर हाजिरी में ये क्या कर रहा था? इसे शॉर्ट रेडी करने के लिए बोला तो ये शॉर्ट फिल्म बनाने लगा। क्या समझता खुद को? सत्यजीत रे समझता है क्यों रे? लॉन्ग फिल्म का आगाज करते करते तूने तो शॉर्ट फिल्म बना डाली। ये छोकरा अपनी तकदीर खुद लिखेगा। अब डायरेक्टर साहब से माफी मांगो। अब सर के लिए ब्लैक कॉफी। सर लीजिए, ये कटिंग है सर, कड़की चल रही है। अरे लीजिए ना सर। गलती हो गई सर, आइंदा से ऐसा नहीं करूंगा। I am also sorry। पर किस लिए? इसके लिए। अंग्रेज चले गए लेकिन आजकल की जनरेशन के लिए सॉरी छोड़ गए हैं। स्पॉट दादा। जी सर। एक कटिंग मुझे भी दो। लीजिए सर। इंडस्ट्री में कुछ लोग अपने आप को सबका बाप समझने लगते हैं पर इंडस्ट्री किसी के बाप की नहीं है, हकीकत है। पी लो, गुड लक एंड गुड बाय। आज तूने साबित कर दिया कि तू लूजर है, तेरे जैसे लोगों की इंडस्ट्री में जरूरत भी नहीं है। सबको इंडस्ट्री में नीचे से शुरुआत करनी पड़ती है, उसके बाद ही ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। आज तुमसे एक वादा करता हूं, एक साल के अंदर डायरेक्टर बनूंगा और तुमसे अच्छी पिक्चर बनाऊंगा। देखता हूँ कि तेरे जैसे लूजर पर कौन पैसे लगाता है। लाइन लगेगी प्रोड्यूसर्स की और अपना पर्सनल असिस्टेंट तुम्हें बनाऊंगा और चाय भी नहीं फेंकूंगा। बड़ा आया। जी, 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 जी। दिल कर रहा शर्म से डूब मरो। मैंने उस घटिया डायरेक्टर की घटिया फिल्म को 5 स्टार रेटिंग दी जिससे कि ये वहां काम कर सके और ये झगड़ा करके चला आया। मैंने क्या किया? मामा ने तुम्हें इतना अच्छा असिस्टेंट बनने का मौका दिया, तुम खुद को डायरेक्टर समझ बैठे।
खैर छोड़ो, इंजीनियरिंग की डिग्री है, अमेरिका में जाके कोई छोटी मोटी जॉब ढूंढ लो। सही कहा, कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ के वहीं सेटल हो जाना, उसके बाद हमें भी बुला लेना। सिर्फ पैसा कमाना मेरा मकसद नहीं है, दिल का सेटिस्फेक्शन कहीं ज्यादा जरूरी है। वाओ, क्या डायलॉग मारा है आपने भैया, मैं इसका टिकटॉक बना के खूब पैसे कमाऊंगी। पैसा कमा के आदमी सेटल हो सकता है, पर मन मुताबिक काम दिल को सुकून देता है। बहुत बढ़िया, नसीब वाले हैं वो मॉम डैड जिन्होंने तुझे जन्म दिया। हाँ मॉम डैड, ये मेरे प्रोड्यूसर हैं। नमस्ते जी। हेलो जी, तुम्हारी शॉर्ट फिल्म देखी मैंने, 20 मिनट में 20 सदियां दिखा दी तुमने, इसलिए तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, शर्मिंदा मत करना। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो ये चेक रख लो, 102 रुपए का साइनिंग अमाउंट। आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? एक ब्लॉकबस्टर सिनेमा बनाकर तुम्हें जो भी हीरो चाहिए इतला करना, उसे अगली फ्लाइट से सीधा यहाँ बुला लूंगा। हीरो के हिसाब से तो कई स्क्रिप्ट लिखी जाती हैं सर, पर मेरी कहानी एक विलन की है। फिल्म में हीरो नहीं है क्या? हीरो है ना सर, फिल्म का विलन ही मेरा हीरो है। ये ले भाई, तू ही पढ़, अपने से ये सब नहीं होता। तो महान है भाई, इसने कैरेक्टर नहीं छोड़ा यार, दाऊद से लेकर वीरप्पन गली का गुंडा सब पे पिक्चर बना चुका है। सलीम हटेला कैसा रहेगा? जो डॉन चर्चे में नहीं है उसकी बात नहीं करना चाहता हूँ, अंडरवर्ल्ड का कोई उभरता हुआ डॉन होना चाहिए। ये काम तो तेरे मामा से ही हो पाएगा। ये क्या बकवास है, गुंडे मवालियों पर फिल्म बना के उन्हें हीरो बनाना चाहते हो, पता है समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा? वैसे तुम एक जर्नलिस्ट हो ना, फिर इतनी घटिया सोच कैसे रखते हो? यार पाटिल ये बहुत जिद कर रहा था, इसलिए तुमसे मिलाने यहाँ चला आया। एटनबरो की गांधी दुनिया भर में चर्चित फिल्म थी, क्या लोग गांधी बन गए? फ्रीडम फाइटर्स पे भी कितनी फिल्में बनती है, क्या सभी लोग देशभक्त बन गए? सिनेमा हमें बदलता नहीं है सर, एंटरटेन करता है। दुनिया अगर सुधरना चाहे तो ही सुधर सकती है सर, मैं चाह के भी फिल्मों से उसे सुधार नहीं सकता। गुड, मैं विष्णु वडाला को जानता हूँ, वो तुम्हारी मदद करेगा। वाह विष्णु वडाला। चलिए स्टॉप आ गया, उतरो उतरो। वाह क्या सीन है, यहाँ हमारे कदम बढ़े वहां मैयत आगे बढ़ी। व्हाट अ फ्रेम, व्हाट अ शॉट, जरूर विष्णु भाई ने इसे ऊपर पहुंचाया होगा। अरे बॉस, ये विष्णु भाई का नया शिकार कौन है? विष्णु भाई किसी ने टपका दिया। चिंता, स्क्रीन पे आग लगाने वाला था, अब इसको लोग आग लगाएंगे। सुहा हो गया। विष्णु वडाला तो चला गया, एक काम कर, नाना नायगांव पे पिक्चर बना दे। सॉरी विष्णु भाई। क्या हुआ, क्या सोच रहा है तू? मरने वाले के बारे में सोच रहा है? मैं मारने वाले के बारे में सोच रहा हूँ। विष्णु जैसी तोप को उड़ाने वाला खुद एक न्यूक्लियर मिसाइल से कम नहीं होगा। ए, उसे बाहर निकालो। अरे भाई सुन, ये सब क्या हो रहा है? दगड़ू वेंकटेश की किसी ने जीते जागते चिता जला दी, अब उसके आदमी उसके कातिल को छोड़ने की मांग कर रहे हैं। विष्णु वडाला का मर्डर इस बुड्ढे ने नहीं किया है, ये तो कोई ढोंगी बाबा है जिसने मर्डर होते हुए देखा है। इसे अंदर इसलिए रखा है ताकि पब्लिक इसका गेम ना बजा डाले। अभी ये तो कब्रिस्तान से भागा हुआ लग रहा है। सुनो अघोरी बाबा। हेलो हेलो लोबान वाले बाबा, लगता है चर्सी है, अंटा मार के सोया है। बाबा ये विष्णु वडाला को किसने मारा, आपने देखा है क्या? उसको किसने मारा ये तो नहीं पता, लेकिन इसको जरूर किसी ने मारा है, लगता है गंजेड़ी है। गांव के उत्तर की ओर जब भरी दोपहर में सूरज आग उगल रहा था, तभी एक हिरन जान बचा कर भागा और उसके शिकार के लिए एक शेर निकला। उसके सांस लेने से हवा थर्रा जाती है, तूफान रास्ता बदल लेता है, धरती पे पांव रखते ही भूकंप आ जाता है।
वो मामूली इंसान नहीं, अलग मिट्टी का बना है। बस मुझे एक बार माफ कर दो, मैं कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, मैं अभी और जीना चाहता हूँ। गुंडे के नाम पे कलंक है तू, तेरे जाने से तेरा वजूद भी खत्म हो जाएगा, लोग थूकेंगे तुझ पर, मरेगा तो अमर हो जाएगा। मैं मानता हूँ मेरी गलती, मेरी जर जमीन सब ले लो, लेकिन मुझे बख्श दो। अरे पागल, ये रुपया पैसा तो हाथ का मैल है रे, इसलिए मैंने डर और खौफ कमाया है जो तेरी आंखों में साफ दिख रहा है। ये खौफ मुझे खुशी देता है। ए काशी, अपनी ख्वाहिशें कितनी नन्नी मुन्नी है रे। भाई मेरे को अपना थामान दो, मैं इसको थल्ली थल्ली कर दूंगा। कारतूस शांत, इतना गुस्सा नहीं। इतना क्या छोड़ लो, थोक डालो इन गंदाल को, नहीं तो बोलो मैं थोक डालता हूँ। ये बता इस इलाके का गुंडा तू है या मैं? ताली भाई, देखो मुझ पर रहम करो, मैं जिंदगी की भीख मांगता हूँ। क्यों बे, मेरे सामने मेमना बन के भोलेपन का नाटक कर रहा है तू, और मेरे पीठ पीछे खूंखार भेड़िया बन जाएगा। क्या बकरा था ये? हाँ, गणिया को मैं अपने इशारों पे नचाऊंगा। आज तू नाचेगा समझा, और मैं देखूंगा। ऐसा वैसा डांस नहीं, छम्मक छल्लो वाला डांस। वो बीड़ी वाला कौन सा गाना है? हाँ, ये आंदोलन वाली पब्लिक कहाँ गई? जैसे ही हमें खूनी का नाम पता चला, हमने उन्हें बता दिया और वो यहां से चले गए। उसका नाम क्या है सर? गणेश, गुंडों के लिए संदेश। क्या कर रहे हो? अरे मेरा बैग, मेरा बैग। ये बैठ रहे, ये चल रहे, चल गुंडा पली, चल चल निकल भाई, ये छिलेली मुर्गी को ले आ, काट डालो इसको। ये छुपा छुपी क्यों खेल रहे हो? अबे सवाल जवाब बंद कर।
सरप्राइज, गुंडापल्ली में आपका स्वागत है। अबे किशोर कुमार सही पहचाना। आज भी मैं एक बाथरूम सिंगर हूँ और साइड में मैं अपने कच्चे इमली का धंधा भी करता हूँ। मेरी सुरीली आवाज और कच्ची इमली दोनों में ही खटास है। मेरे खट्टे मुँह से इंट्रो कैसा लगा? तेरी इमली के जैसा एकदम खट्टा। खामोश। इमली से मेरा काफी गहरा रिश्ता है, मेरी गर्लफ्रेंड भी खाती थी। क्या बोला तू? छुप छुप के कैमरा घुमा के गणिया की फिल्म बनाएगा? अबे अगर तुझे फिल्म बनानी ही है तो कोई क्लासिकल फिल्म बनाना जिसमें भरतनाट्यम भी हो। अरे ऐसी फिल्में 500 करोड़ कमाती है, फैमिली साथ बैठकर देखती है। चीयर्स। तेरी सोच कमाल की है, गणिया पे ही फिल्म बना। वो इंसान नहीं हैवान है। एक कहानी सुनाता हूँ। उसके इलाके में एक दिन बकरी का बच्चा घुस आया तो गोली और कढ़ाई में भून दिया। ये क्या कारस्तानी है? जो कुछ तू बोल रहा है वो इसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अबे साइको आदमी, उस बकरी के बच्चे को उसने अपने सीने से लगा लिया और तो और उस बच्चे को सरकारी स्कूल में डाल दिया। अब वो उस इलाके का MLA बन चुका है। तेरे चक्कर में मैं रिलीज हो जाता। गुंडापल्ली गणेश, जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह तक कांप जाती है। किशोर कुमार उसकी फिल्म में सेकंड हीरो बनने से बहुत ही ज्यादा डर रहा है। इतना बड़ा ब्रेक कैसे छोड़ सकता है? सेकंड हीरो, वो भी मैं? और क्या, कोई शक? आज पता चला चेहरा देख के नहीं बल्कि टैलेंट देखकर भी काम मिलता है। तो सच में मुझे अपनी फिल्म में ले रहा है? बिल्कुल। तेलंगाना और आंध्रा के बॉर्डर पे एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, फिल्म इंडस्ट्री में किस्मत आजमाई, इमली बेचने वाला टैलेंट बेचने लगा। वो टिकटॉक पे वीडियो बनाता, सोशल मीडिया में उसके फॉलोवर्स बढ़ गए, लोग उसकी अदाओं पे जान छिड़कने लगे। जब शूटिंग में काम नहीं होता तो वो दुकान पर बैठकर इमली बेचने लगता। उसका नाम था द ग्रेट किशोर कुमार। अगर गणिया बारूद का सैलाब है तो मैं भी पेट्रोल का जलजला हूँ। रोज मेरी कीमत बढ़ रही है, मुझ पर किसी का जोर नहीं। पर आज तक मैंने एक्टिंग नहीं की है, तू मुझे सेकंड हीरो बना देगा ना? आज तुम लोगों के लिवर में जितना दम उतना पियो, जो दिल है खाओ, जितना दिल है खाओ। ये पार्टी मेरे जेल से छूटने की खुशी में है। चीयर्स। ए कुर्सी हटा रे, चल चल बाजू हट, चल भाई आ रहे हैं। हाँ बिछा, इधर बिछा। ए मेरे से बड़ी कौन सी तोपची है इधर? ये तो अपन के सामने छोटी पटाखड़ी है। क्या है कन्या, याद है क्या? अरे पहचाना क्या अपने बाप जी को? अब यह ढक्कन दाढ़ी रख के अपने आप को बड़ा समझ रहा है क्या? जब ये छोटा था तो मेरे पास आके सिर्फ 2 रुपए के लिए मेरी बोतल खोलता था। अब शाड़े मैं बापू तेरा। पुरानी बात है, सब ठीक ना? एकदम टकाटक। इधर तेरे को जो भी खाने पीने का बिंदास खा, बिल तेरा बाप भरेगा। जरूरत नहीं, ठीक है, सब कुछ अपने पास, सब ठीक चल रहा है, एंजॉय करो। क्या रे कन्या, आम कितने भी बड़े हो जाए लटकेंगे डाली के नीचे ही, अपनी औकात भूलने का नहीं। चले काम कर, अपने दांतों से मेरी ये बोतल खोल के दे, बचपन की तरह तेरे आगे 2 रुपए फेंकूंगा। क्या बोलता है? गुनिया, थूक दूं क्या इसे? मैं इसे थूक डालता हूँ, इसे थूक के जेल जाऊंगा और आप मुझे पीछे के रास्ते से छुला लेना। ए, जब बोतल लेके आ। क्या रे ओपनर, महंगाई बढ़ गई है, रेट भी बढ़ना चाहिए। 200 रुपए दूंगा तुझे, चल आके मेरी बोतल खोल दे। आजा मुन्ना। शर्त लगाता हूँ खोल नहीं पाएगा। आजा बेटा आजा।
क्या क्या हुआ मुन्ना, प्रैक्टिस छूट गई क्या? कुछ भी नहीं भूला मैं, बस याद नहीं करना चाहता था, लेकिन तूने याद करा दिया। ए, कितने में सौदा डन हुआ था? 200 रुपए भाई। खून पसीने की कमाई। ए, मुझ पे शर्त लगाएगा तो जीतेगा, मुझसे शर्त लगाएगा तो मरेगा। क्या बात है, आदम आखिर मिल गया मुझे। मेरी फिल्म का मेन विलन ही मेरा हीरो है। यस। गणेश पे एक तगड़ा अटैक हुआ था भाई, तभी जब उनको लगा कि वो गया। क्या बे, पंगा काय को लिया? तलवार लेके आया गन, मरेगा सिर्फ गणेश का दुश्मन। hey, सच्चा नहीं झूठा नहीं जो बोला सब डाका, जिस दिशा में मैं मुड़ जाऊं रास्ता वो पक्का। छोटी नहीं बड़ी नहीं जो मारूं वो गोली, हम जो चाहे वही करे हमको किसने रोका। नरक की कुंडी में खट्टा दूं, मुझो से फांसी लटका दूं रे। चल चल अपने पे जो मैं आ जाऊं, मुर्दे को भी मौत चखा दूं रे। तेरे को ये लफड़ा झगड़ा करके जमीन कौन दिलवाया? अपने भाई। और ओपनिंग के लिए किसको बुलाया? वो एक हीरो को। वो तेरे लिए बड़ा हीरो है और मैं? आप तो माफिया किंग हैं। तो फिर आज से तू और तेरे आदमी कपड़े उतार के कपड़े बेचेंगे इसी दुकान। हाँ? मस्त पब्लिसिटी होगा। जितना सोचा था उससे ज्यादा खूंखार है, ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा खतरनाक है। 2 खास पंटर हैं उसके। पहला काशी, घनिया ऑर्डर देता है, काशी उसे अंजाम देता है। उसकी कमजोरी है पीना, 9 बजते ही ठेका उसकी दुनिया है। दूसरा आदमी है बाली, एक्शन फिल्मों का दीवाना है। एक्शन से मतलब बॉडी बिल्डर हीरोज का नहीं, हीरोइंस का। एक और नमूना भी है, कांता। हर कोई मेरे को जानता। धमकी देके छोटे मोटे काम करता है। वैसे गड़िया का एक थिएटर भी है, उसका ऑपरेटर है चोलम। अब तक कवारा है पर सही लड़की की तलाश में है। फिलहाल इन तीनों पर फोकस करेंगे। ये गड़िया के प्रोफेशनल सीक्रेट्स तो बता पाएंगे, लेकिन पर्सनल मैटर जानना है तो पर्सनल होना ही पड़ेगा। ए, तैयार हुई कि नहीं? लीपापति में कमी नहीं रहनी चाहिए। लड़के वाले दीदार करने आए, जल्दी कर। दादी माँ, मुझे शादी नहीं करनी है। लीद भरी है दिमाग में। तेरी उम्र में मेरी शादी भी हो गई थी और 2 बच्चे भी पैदा कर दिए थे मैंने। शादी तो मुझे करनी है लेकिन इस लंगूर से नहीं करूंगी। अरे तो फिर गणेश से शादी कर ले, तुझे बैंडिट क्वीन बना के रखेगा वो। रावण ने सीता को किडनैप किया था लेकिन यहाँ तो दादी ही रावण बनी हुई है। मुंह बंद कर, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, चल। अगर तुम्हारी नजर में ये लड़की गाय है तो ये लड़का भी बेकाबू सांड है। कलिए को सिंग मारे लाए। दादी एक्शन। सिंग मारता है वो ठीक है, खून खराबा करता है कि नहीं? पहले ये छोटा मिर्ची की टोली में था, फिर होली के दिन ऊपर वाले के कर्म से 3 लोगों का गला काट के अपनी खुद की टोली बना ली। आपकी पोती को जिंदगी भर बंदूक की नोक पे बिठा के रखेगा ये? हमारे लड़के के कारनामे तो
आपने सुन ही लिए हैं। लड़की के बारे में कुछ बताओगे? क्यों नहीं, उसी का इंतजार था। ये मेरे ढाबे में इतना लजीज खाना बनाती है कि लोग आकर इसका हाथ चूमते हैं। ए छोकरी, ठुमका उमका लगाना आता है क्या? मूड ऑफ होगा तो नाचेगी ना? नाचना नहीं आता है, पर गा लेती हूँ। तो फिर शुरू हो जा अपने गाने से, मार डाल मेरे को। मारना तो चाहती हूँ, पर चाकू तलवार से बिल्कुल नहीं, अपने भजन से मारूंगी। तो फिर भजन ही सुना दे। नाचना नहीं आता? ए छोकरी, गोल गोल रानी इतना ही तपानी वाला ठुमका लगा दे। चल स्टार्ट हो जा। चलेगी 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 चलेगी। चुप कर। यहाँ बड़े बुजुर्ग है ना, इसलिए ज्यादा नहीं कर पाए, लेकिन अकेले में अंगार लगा दूंगी। मैं तैयार हूँ, मुझे पसंद है, लड़की मस्त है। चुप कर। क्या बुढ़िया, घर बार वाली लड़की चाहिए, ऐसी बियर बार वाली छमिया नहीं। सत्या नाश हो तेरा। अरे बहन जी, जाने से पहले मेरी बात तो सुनिए, ये लड़की भरतनाट्यम भी जानती है, ऐसी लड़की कहीं नहीं मिलेगी आपको। बेड़ा कर। कैसी फिल्म दिखाने लाया यार, एकदम बोरिंग है। इससे तो टॉक टॉक वीडियो ज्यादा अच्छे होते हैं। परसों जो पिक्चर देखी थी याद है तुझे? जवानी का तड़का अंग अंग भड़का। चल ना रिपीट टेलीकास्ट करते। चल। ए, तेरे बड़े बाप की गाड़ी है। अरे भाई आप है, आप ही की गाड़ी है। पहले मुझे अंग्रेजी सिटी थे। और कितनी पिएंगे यार, फुल टाइट हो चुका हूँ, वो अभी तक आया नहीं। आ रहा होगा। नहीं भाई, इसने मुझे हीरो का रास्ता दिया था। अच्छे कर्म थे। शादी में आए क्या? टिकट कौन लेगा? तेरा चाचा के लेगा। जल्दी जस्ट। अरे चाचा। चाचा मैं तो फिल्म देखने आया था। लाइफ में नहीं सोचा था कि तू यहाँ मिलेगा। ये तो मेरे जहन में भी नहीं आया था। अलग अलग कॉर्नर की सीट लेते हैं। अगर चाची को बताया तो? नहीं बताऊंगा, और आप भी मेरे बाप को नहीं बताऊंगा। पहला सीन गजब है। इतने दिन निकल गए, स्क्रिप्ट तैयार नहीं हो रही, अब डर लगने लगा है। मेरे जिंदगी के कुछ उसूल है। पहला उसूल, बुलंदियां अगर छूनी है सीढ़ियां मत चढ़ो, सीधे लिफ्ट से ऊपर। जब ज्यादा फ्री की पी लो तो मुंह बंद रखो। यहाँ इतनी मेहनत करने के बाद भी काशी बाटली में नहीं उतर रहा, और तू बाटली पे बाटली उतर रहा। अभी तेरी बाटली का एहसान चुकाता हूँ, अब देख मेरा शो। बाजू हट रे। ए, रुक। ए, रंगा आके ऑर्डर लिख दे। एक्सक्यूज मी, कैन आई सिट? शुक्रिया। हर वक्त तुझे देखता हूँ, बेचारा इधर बैठ के फेफड़े जला रहा है, मैं सिर्फ आग लगाता हूँ। आज के बाद से मिल के आग लगाएंगे। ए बैठ ना, ये अभी है, अभी अभी आया है। क्या लाओ भाई? एक अद्दा ब्रांडी। और सुन, मेरे खाते में डालना, मेरे जिगर का छल्ला है ये। और चखने में? पनीर फ्राई, गोभी फ्राई। कुछ नॉनवेज ऑर्डर करना, मेरे खाते में जा रहा है। जो मंगाना है मंगा, तू मेरा बचपन का प्यार है, अपने सर की कसम। ओहो, दो घूंट अंदर जाने के बाद तू तो कटप्पा का बाहुबली लग रहा है। मेरी जान। चिपकाया काय को?
बहुत अमीर हो गया है क्या तू? तेरे को क्या लगता है मेरे पास खाने को पैसे नहीं है? ए रंगा। हाँ भाई। मेरा कितना बाकी है बता? 2,25,000 भाई। चल भर। आखिर अपन एक ही गांव के हैं, पैसा रहे ना रहे दोस्ती रहनी चाहिए, नहीं देता तो प्लेट धुलवा। चेक दे रहा है कि कैश? Hey, congrats. Thank you. एक सेल्फी लेते हैं। किधर रहता है? किधर रहता है तू? बता कहाँ से आया तू? गणेश भाई, मेरी खातिर इसे छोड़ दो, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आखिर मामला क्या है? बता कहाँ से आया तू, वरना मेरी खोपड़ी घूम जाएगी। इंद्रानगर से भाई। पता था मुझे तेरी बेटी के लिए नहीं आया, मेरा गेम बजाने आया था। पांचाल का बिल्ला है ये, मेरी जासूसी करने आया था, पहला मौका मिलते ही मुझे ऊपर पहुंचा देता ये, सही है ना? ए, जाके बोल उसको, अगर उसने मेरी मूंछ का बाल भी छू लिया ना तो उसे बर्फ की सिल्ली पर लिटाकर उसके तलुओं में कील ठोक दूंगा। हट! आपका तो काम हो गया गणेश भाई, मेरी बेटी से शादी कौन करेगा? उस पर रहम करो गणेश भाई। ए, चिकने, अबे तू इधर आ, अबे आना। कौन से गांव का है तू? यही का हूं भाई, लेकिन अब शिफ्ट हो रहा हूं, कभी नहीं आऊंगा। ए, क्या काम करता है भाई? ग्रेजुएशन पूरी की है लेकिन जॉब ही नहीं मिल रही, इसीलिए जा रहे हैं, कभी नहीं आएंगे। ए, अपने बाप का नाम बता। उनका नाम सूखा गुलाब है भाई। ओ तेरी, वो बैंक में काम करता है वो ना? वही है। अरे वाह, बैंक लाइन से है, तेरे को दामा चलेगा क्या? बोल। तुम्हारा नाम? रवि, रवि किशन। अच्छा नाम है, एक्चुअली मैं उनकी बहुत बड़ी पंखी हूँ। ओ, सच में? एक फोटो लूँ क्या? उधर फूल डाल, क्यों बटकले? जोड़ी मस्त लग रही है ना दोनों की, क्या बोलता है? अगर कुछ बोलूंगा तो शादी की शहनाई मौत की शहनाई बन जाएगी। हसलो हसलो, वैसे भी अपना टाइम खराब चल रहा है। वैसे अपनी फिल्म में मेरी एंट्री के लिए कोई आइटम सॉन्ग सोचा कि नहीं? स्विट्जरलैंड में करेंगे। अरे भाई, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप? नमस्ते। जो सीडी मैंने आपको दी थी कैसे लगी? मस्त थी ना? साउंड नहीं था, मजा ही नहीं आया। ऐसी फिल्म में साउंड का क्या काम? अबे गधे, साउंड ही इम्पोर्टेंट है। अना, रशियन वाली सीडी कैसे लगी? देना भाई, वो भी देखूंगा। अब तक नहीं देखी? तुम्हारी बाइक के पाउच में रखी थी। ऊपर हर घर की कहानी का कवर था, अंदर कमरे की कहानी थी। अरे घर वाले जिद कर रहे थे तो मैंने वही सीडी उनको थमा दी, मरवा दिया रे। कहानी हर घर की मेरी फेवरेट पिक्चर है, हर रोज सोने से पहले देखती हूँ। ये तो कुछ भी नहीं, मंदिर जाने के बहाने ये फिल्म बॉयफ्रेंड के साथ देखी थी। सही है। शांति। चल छिछोरे। अबे किलगोजो, आगे से तुम लोगों ने मुझे आईसी सीडी दी ना तो तुम लोगों के कान में किल्ला ठोक दूंगा। गणिया तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब भगवान ही कुछ रास्ता दिखा सकता है। Na 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 na
और इस बार गलती की माफी नहीं मिलेगी, समझा? अबे इसकी क्यों तस्वीर खींच रहा है? जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? गणेश की छावी है। इसका नाम भूमिका है। इसकी दादी गणेश के लिए खान समा है और बुढ़िया की आखिरी ख्वाहिश है कि ये दोनों मिलके बिरयानी खाए। क्या कटिंग लेकर आया यार तू? अगर भूमिका को पटा लिया तो गणिया भी पट जाएगा। गणिया पटेगा कि नहीं पता नहीं, पर तू जरूर निपट जाएगा। अबे इस तरफ आ रही है, जल्दी चल 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 चल। डियर ईश्वर, गणेश का हर कारनामा वायरल होता जा रहा है। उस दिन शादी में जो हंगामा किया था उसने, वो टॉप ट्रेंडिंग में है। उस गणेश से डर के एक भी लड़का मुझे लाइन नहीं मारता है। मेरी सारी फ्रेंड्स सोशल मीडिया पर गुलछर्रे उड़ा रही हैं, लेकिन मेरे कंजूस बाप की वजह से फोन में इंटरनेट भी नहीं है। उस दिन पता है फेसबुक पर मेरे साथ क्या हुआ? मुझे एक भी लाइक नहीं मिला। किसी भी सुंदर लड़की को ऐसा कष्ट मत देना। पप्पी शप्पी तो दूर की बात है, किसी ने मुझे लप्पी चप्पी भी नहीं करी। मेरी प्रार्थना सुन लो ना, एक डैशिंग सा बॉयफ्रेंड दे दो जो दिल के सारे अरमान पूरे कर दे। मुझे अच्छा बॉयफ्रेंड मिला ना तो मैं 101 नारियल चढ़ाऊंगी। बस मुझे फ्रेश माल देना भगवान। इतनी जल्दी? अबे गले ये लगा, गाल पे बेरे क्यों चिपका है? अबे कोयले की बोरी, तेरा दोस्त है इसलिए। असल में बात ये, अभिलाष नाम तो सुना होगा। अरे बंद कर। सॉरी बहन, ये गलियों में नया है, गलती हो गई। ये नहीं, पर तू तो जानता है ना। तू रुक एक मिनट, मैं गणेश को फोन लगाती हूँ। दीदी 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 दीदी, मैं भीख मांगता हूँ, आप गणेश भाई को फोन मत करो दीदी, प्लीज दीदी दीदी। मुझसे उम्र में बड़ा और दीदी बोल रहा है, मैं अभी कमसिन कली हूँ। वो तो है, बस एक ही हफ्ते का डिफरेंस है। चल गणेश के पास चलते हैं। ठीक है, रिक्शा पकड़ लो। मैं सबर कर। सॉरी बहन, आगे से दीदी नहीं कहूंगा। कहेगा सॉरी? सॉरी के बजाय इसे हमें थैंक्स कहना चाहिए। थैंक्स किस लिए बे? मैं मालूम, बताता हूँ। इसने भगवान से हक मांगा, भगवान ने इसकी इच्छा पूरी कर दी। और अगर मेरा हक इतना ही बुरा लगा है तो चलो वापस कर दो मेरा हक। वापस करो। ठहर जा, गले लगेगा तो तेरा गला काट दूंगा। बहन तुम जाओ। तुम दोनों मर्द की औलाद हो तो यही रुकना, मैं गुंडू को लाती हूँ। बहना भाभी चल कफन का नाप दे के आते। अरे चिल मारना यार, अगर बताना ही होता तो वो फोन कर देती, और अगर बता भी दिया तो गणिया के क्लोज आ जाएंगे, नहीं बताया तो भूमिका के क्लोज आ जाएंगे। अब हेड्स आए या टेल्स आए, टॉस तो अपन ही जीतेंगे। चल तुझे भजिया खिलाता हूँ। ऊपर वाले कश्ती किनारे लगा देना। आपुन पहले ही बोल रहा है, फैसला चाहे जो भी हो आपस में खून खराबा नहीं मांगता है, शांति से मैटर सुलटाओ। बच्चे भाई ला फूलों की टोकरी दे। अरे वाह, बोलो भाई डरो मत। ये पहले बच्चे अंदर, जिंदाबाद। पहले बच्चे अंदर, जिंदाबाद। इस बार गुंडापल्ली का एमएलए हमारा बुच्चियन्ना बनेगा, हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है। गणिया भाई आ रहे ले, उसके बाद ही वार्तालाप कर लेते हैं। अब एक गणेश के नाम का गन्ना चूसना बंद कर, ये राजनीति है। इस बार कोई एमएलए बनेगा तो बुच्चियन्ना। जिंदाबाद बुच्चियन्ना। जिंदाबाद बुच्चियन्ना। जिंदाबाद बुच्ची नायडू। जिंदाबाद। एक जमाने से मेरे बापू एमएलए थे, अब उनका वक्त बहुत करीब है, उन्हें एक बार फिर से एमएलए बना दीजिए। हाँ बना देंगे ना, जब बुढ़ा टपक जाएगा उसकी जगह पे तुझे बना देंगे। अपनी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, पॉलिटिक्स में अपने लिए कुछ नहीं रखा है, लेकिन अपन चाहता है कि जब तक वो जिंदा है एमएलए वही रहे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता है। वाह रे वाह, बुढ़े की इच्छा तो बहुत हार्ड है। एक काम कर, तू बुढ़े की सुमड़ी में कुमड़ी कर डाल, तेरी मेरी सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या बोलता है? बुढ़े को मार दे। बहुत आसान है, घर में नरम तकिया तो होगा ना, रात को बुढ़े के मुंह पर रखकर बस 2 मिनट दबाना, बुढ़ा ऊपर। क्यों ट्राई करेगा ना आज? आज तो तू गया है। ज्यादा जबान मत चला मुन्ना, उखाड़ ले। छोड़ूंगा नहीं। फिर शुरू हो गया। मैं क्या इधर ये लाया क्या? पहले ही बोला था ना तुमको,
इधर खून खराबा मांगता ही नहीं, सुमड़ी में मैटर सलटाने का क्या? सुना नहीं क्या? लफड़े की बात पहले वो लोग ने शुरू की। वो जानता है जुबान खोलेगा तो जाया हो जाएगा। तू भी जो बोल रहा है होश में रहकर बोल। इस बार एमएलए बुच्ची अन्ना बनेगा, जिसको प्रॉब्लम है बोलो। पंचाल, हाथ उठाना मेरा स्टाइल नहीं। हाँ, तलवार जरूर उठाता हूँ। पहले तू अपने पैर पे खड़ा हो जा, उसके बाद इलेक्शन में खड़े होने की सोचना। वशिम के पापा ही इस बार एमएलए बनेंगे। गणेश ने एक बार फैसला कर दिया तो उसे कोई बदल नहीं सकता। भाई, मेरे बापू के लिए तूने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। आज मैं जो कुछ भी हूं उनकी वजह से। उनके लिए इंसान क्या भगवान से भी लड़ जाऊंगा मैं। उनका अच्छे से ख्याल रखना, तबीयत ठीक नहीं है उनकी। वो तो रखता ही चू भाई। जवानी में आदमी चाहे जितने भी गुलछर्रे उड़ा ले, बुढ़ापे में उसे ऊपर वाला ही याद आता है। अगर उसने अपने को पढ़ाया होता तो आज अपन इधर होते क्या? इंसान खुदगर्ज है, जिंदगी भर मजे करता है, आखिर में ऊपर वाला ही याद आता है। भाई एक बहुत जरूरी बात थी, बापू ने ही तेरे को बताने बोला है। पुलिस ने तेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर डाली है। किसी पे भरोसा नहीं करना, तेरी आस्तीन से ही कोई सांप डसेगा, ध्यान रखना। श्रेय श्रद्धा मनोकामना प्रेरणा सब। मुझे यहाँ मंदिर क्यों लाया? क्या गारंटी कनिया यहाँ पर आएगा? आज वो अवश्य पधारेंगे, आज उनकी माताजी का जन्मदिन है। इसका मतलब माँ भी साथ में आएगी? वो नहीं आएगी, वो आपस में बात ही नहीं करते। मतलब माँ एकदम म्यूट मोड में है, इसलिए वो बाहर जाती ही नहीं है। प्रभु, ये फिल्म खत्म होने तक मुझे जिंदा रखना। चलो पंडित जी को बुला। वो भले बाल वाला ना? हाँ वही। आप आराम से चलो। तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। आजा, सिर पे बैठा हूँ। पहले बड़ी पूजा करवाते हैं, चल। ये पकड़ो। फ्री की जलेबी का मजा ही कुछ और है, इसीलिए मंदिर आता है ना। हेलो, अरे ओ, गरीबों का शाहरुख खान। अरे वो तो मैं हूँ। मैं ऑटोग्राफ नहीं दूंगा, तू जा। उस दिन कोई नहीं था तो गले लगाया, अगर दम है ना तो यहाँ हाथ लगा के दिखा। लगाना लगाना हाथ, लगाना मेरा बच्चा, लगाना प्लीज। हाथ लगा लिया तो? सब बाल इच नहीं, अपुन के पास गनिया है, समझा क्या? अगर छू लिया तो तुम मेरी फ्रेंड बनोगी? उसके बाद? दोस्ती के बाद। हाँ क्या? अपना गांव दिखा देना मुझे। अरे बच्चू, पहले हाथ तो लगा के दिखा। आजा, आ आ आजा। क्यों बे, आना आना। क्या हुआ, पतलून गीली हो गई क्या? आजा। ए, क्या कर रहा है? ए, कहाँ चलो से? पुजारी जी, सबका तिलक कर दिया है, अब पूजा शुरू कर दो।
लग रहा हो ना राक्षस, इस पलंग के चादर में जितने छेद हैं, उसके लिए मुझे बिल्कुल ना कोई खेद है। पड़ोसी का बड़ा खेत है। पकड़ो पकड़म पकड़ाई के अलावा दूसरा कोई खेल नहीं है क्या? यहाँ पर मैं रिहर्सल करके जान जला रहा हूँ, किसी को मेरी एक्टिंग की चमक ही नहीं दिख रही है। छे मालूम है, अपनी माँ बोलती थी कि अपने बाप पे भी कभी भरोसा नहीं करने का। अगर गणेश भाई मेरे को बोले ना तो दोनों को काट के भेज दूं। ये कुछ दिन पहले बार में मेरा बिल भरना चाहते थे। मुझे भी इन लोगों ने अंग्रेजों वाली सीडी दी थी, कुछ करना पड़ेगा इनका। अरे इतना क्या सोच लो, लाओ मुझे गन तो माल देता हूँ। बस मैं जेल जाऊंगा ना तो मेरी बेल कला देना। ठीक है जा मार दे उनको। मेरा चमत्कार देखना, इनको चुटकी में खत्म कर डालूंगा। जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ तेरे बाल का बाल भी बांका नहीं होगा मामा। ये क्या है? क्या लिखते लाए? अबे टैलेंट पित्तल मुंह तोल। ए जिंगुल कौन है तू? कौन है तू? अभी मैं तुम लोग को बला बल करता हूँ। अरे भाई भाई मेरा डाउट ठीक था, इन लोग बहुत बड़ा प्लेन बना रहे ले। क्या बोले? इन दोनों को थपका डालो, समझो काम हो गया, बस मेरी बेल कला देना। थैंक यू। सुनिए भाई, शायद आपको कोई गलत। तू क्या समझा मेरे को पल्ले नहीं आता? जी ए एन गन, के एस आई कसाई, एफ एन एस फिनिश, बी ए एल आई बली। वो कोने में क्या लिखा है? शूटिंग। इसका मतलब तू खुफिया पुलिस वाला और कसाई बन के हम सबको फिनिश करेगा। कौन सी पुलिस स्टेशन से आया तू? किसको मारेगा? मेरे गलिया भाई को। शूटिंग मतलब वो गन वाली शूटिंग नहीं, तो फिर कैमरे वाली शूटिंग। ए साने मेरे को एला समझे लेता। नहीं तोतले भाई, मैं सच बोल रहा हूँ आपसे। फिल्म अकेडमी का स्टूडेंट हूँ मैं। इस गाँव की सुंदर जगहों पे छोटी फिल्म मतलब डॉक्यूमेंट्री बनाने आया हूँ। फोटोज खींचनी है मुझे। चलो कहाँ जाना है? गांव की बात में खींच रहा, बेली खींचो नहीं तो तुम लोग की खींच डालूंगा। शर्मा मत, वो भेसकीले। ये करना है? अरे नहीं पता तो खाली बटन दबा, स्माइल। अबे थोड़ा मुस्कुरा तो सही, हंस। ए मेरे परमिशन के बिना मेरी फोटो क्यों खींच ला? चल ली निकाल, ली निकाल, नहीं तो मैं इसको जला डालूंगा, समझा? जिस तरह से आपने धुआं छोड़ा एकदम हीरो लग रहे थे। चलो मेन नशे पर सेकंड हीरो तो बन ही सकते हैं। अबे फिल्म बना रहा है या सेकंड हीरो का सेल लगा रहा है? कहां ये और कहां मैं? सॉरी, सच हमेशा कड़वा होता है। नहीं नहीं, जबान फिसल गई। सेकंड हीरो नहीं, सेकंड विलन, 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 ठीक है? ए साइड लो, साइड लुक। ए कैमरा दे। अरे वाह, फ्लूक में इतना अच्छा आया तो पोज मारूंगा तो कितना रैपचिक दिखूंगा। तू तो चैंपियन है। चल मेरे को अपना डीपी बदलने का, तू मेरी रैपचिक फोटो निकाल। ए चल रे थर्मोकोल पकल। हैप्पी बर्थडे। गणेश अन्ना, गणेश अन्ना आ गए। अरे अन्ना आइए। नमस्ते नमस्ते, मुझे लगा कि आप नहीं आएंगे। अरे साइड दे, साइड दे, आने दे। अन्ना अन्ना आइए, आइए आइए। क्या खिलाइए? अमृता खा लो बेटा, खा ले अमृता, खा लो। अच्छी बच्ची है, खा ले। क्या कर रही हो अमृता? अरे बोले ना, खा ले, क्यों ना कर लिए? अमृता अंकल है ना। चुप, रो मत, तो मारूंगा। अन्ना माफ कर देना, बच्ची है ना, सही समझती। सॉरी भाई। अन्ना खाना खा के जाना। Yes.
भाई टाइटैनिक भोजपुरी में देखा, नौका दिल धोखा। भाई 10 रुपए छुट्टा है क्या? भाई दूसरी वाली में जाना, अब भी साफ किया है। हाँ ठीक है। भाई कणिया का काम हो गया, लगता है कल ही बाल काटे। ले जाओ अपने भगवान को और जला डालो इसको। हेलो, इस पे सारी गोलियां खर्च कर दी, मेरे लिए एक भी नहीं बचाई। बड़े बूढ़ों की बात सुना करो, अगर 4 पैसा कमाने का तो 2 खर्चा करने का, 2 बचाने का। भाई बस मेरी बेल करा देना, मैं इसे थोकूंगा। बेटा गणेश, कोई भी भूमिका को अपनी दुल्हन नहीं बनाना चाहता, तू बना लेना। एक मौका दो भाई। ये कारतूस, थोड़ा शांत रहे। शांत नहीं रह सकता, इतना दिन हो गया ड्यूटी ज्वाइन करके, आज तक एक मच्छर नहीं मारा। पहली वाली कंपनी में मैंने बहुत सारे बदल किए थे भाई, यहाँ तो मैंने गन की छक्कल तक नहीं देखी, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। अपना भी प्रमोशन होना चाहिए ना। ये जली हुई बीड़ी, खर्चा पानी दूं क्या? कर बे गणेश भाई, टोकन सिस्टम करते हैं ना, सबको टोकन दे देते हैं, जिसका टोकन लगेगा वो मर्डर करेगा, राजा भी खुश प्रजा भी खुश, क्या बोलते हो? मैं एक मस्त आइडिया देता हूँ, कंपनी रजिस्टर कर लेते हैं और सबको यूनिफॉर्म पहना देते हैं, टीवी और पेपर में ऐड दे देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फॉर किलिंग। मस्त है भाई। दिमाग सटक गया इसका, पागल कहीं का। अबे मारने के लिए एनर्जी चाहिए जो तेरे अंदर नहीं है। सीधी देख के खुद एनर्जी वेस्ट करता है और तू मेरे को सुना रहे? क्या बकवास कर रहा है, महिला बैठी है। अबे वो सीडी नहीं, सफलता की चिड़िया। कन्या को मारने चला था। शाबाश काशी, बढ़िया काम किया। ए, लाश को तुम दोनों ठिकाने लगाओगे, भेजा फ्राई करने का यही पनिशमेंट है। गणेश कितना बढ़िया मुहूर्त है, चल फौरन भूमिका के साथ फेरे ले ले। वो इस बुड्ढी को चुप कराओ यार, सड़िया गई है। छे, शांति से मर्डर भी नहीं करे देते। कब मदद करने मिलेगा इस बात का मैं 4 साल से इंतजार कर रहा था। भाई ने मेरा टैलेंट पलट लिया, मुझे छोटा कालतूस का टाइटल दिया और तुमने मेरे हाथ में गन पकड़ा के मेरा दिल जीत लिया। बीवी मेरे को बहुत सालों से ताजमहल घुमाने का बोल रही है, तुम मेरी फोटो में ताजमहल लगा के दे दो ना। 1500 रुपए तो मेरी पगार है, 1500 में घर बार चलाऊं कि भेल बाल में जाऊं। मदद कर लूंगा तो पगार बढ़ जाएगी। अरे भाई का फोन। गनिया भाई बोलो, आपके बहुत करीब हूँ, बस पहुंच रहा हूँ, 1 नंबर कल के आता हूँ। थैंक्स अन्ना, फर्स्ट टाइम मुझे गणेश अन्ना ने डायरेक्ट कॉल किया, थैंक यू। बात क्या? पुलिस वाले जो कलते हैं ना उसे बोलते इनकाउंटर, हम लोग जो कलते हैं उसे बोलते मर्डर। बोले तो खेल खत्म। किसका मर्डर? फोन पे नाम नहीं बोलते भाई। खैर जो भी हो, मुझे क्या लेना देना, तुम्हें वाइफ को फोटोज दिखानी है ना? हाँ, अभी इसमें डाल के देता हूँ। ये रुको, जल्दी आना भाई, गन्या वेट कर रहा है। हाँ बस अभी आया। माँ तूने भी किस हैवान को पैदा किया है जिसकी हीरो की औकात नहीं, मैं सिर्फ एक सेकंड हीरो बन कर रह गया हूँ माँ। वो बैग जिसमें ब्लैक बॉक्स था तुझे रखने के लिए दिया था, कहाँ पर है वो? मैंने संभाल के रखा है। जल्दी लेकर आ, जज्बात निकालने भी नहीं देता है। वैसे इसमें है क्या? स्पाई माइक, और इसके जरिए हम आज लाइव मर्डर सुनेंगे। आज सुनना है यार, अभी अभी कपड़े सर्फ में भिगोए हैं। बड़ा आया सेकंड हीरो बनने, उधर एक्शन सीन चालू है और इधर तुझे कपड़े धोने की पड़ी है। ये लो, तुम्हारे सारे फोटोज इसमें डाल दिए। अरे वाह, इसमें फोटो दिखता है। पिक्चर भी देख सकते हो, रात को देख के सुबह रिटर्न कर देना। पक्का भाई, थैंक्स बॉस, चलता हूँ, 5 मिनट का टाइम दिया, बॉस वेट कर रहे। उसे संभाल के रखना और लौटाना मत भूलना। नहीं भूलूंगा भाई। ए, जल्दी चल, 600 मीटर की दूरी पे जाना है, आ जा। पर कपड़े तो गीले हैं। उल्टा करके पहन ले, सैनिटाइजर मार ले उसके।
क्या यार, ये बारिश को भी अभी आने का था, मेरा रेनकोट फट गया यार। अबे रेनकोट की क्या जरूरत है, नीली वाली जंबो थैली काट के फर्स्ट टाइम भाई ने मेरे को डायरेक्ट फोन करके बुलाया, किसको तपकाने का है? अबे प्रमोशन लेने के लिए तुझे बहुत खुजली मच रही थी ना, बॉस ने तेरे लिए डबल बोनस प्लान बनाया है। और क्या, बंदूक की नाली साफ कर ले, फायरिंग करने का है। थैंक यू भाई, इसका मतलब मिला प्रमोशन हो गया। किसको टपकाना है भाई? प्रभाकर को। प्रभाकर को बस 2 मिनट दबाना। गुंडा ऊपर। ये प्रभाकर कौन है? बगल के गांव का गुंडा है, दोनों में बहुत टशन है। आदर्श नगर में उसका जो गेस्ट हाउस है ना, वो रात को वहीं पे आने वाला है। अपने आदमियों ने उसके गेस्ट हाउस को घेर लिया है, सब लोग बराबर उस पर नजर रखे हुए। गणेश भाई की गाड़ी में सीएनजी भर के आ, बहुत लंबा जाने का है, चल जा जल्दी आना। मुझे पता है ये कहाँ रवाना हो रहे हैं, वहां चलते हैं। पहले चले गए तो सिग्नल मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। गणेश की गाड़ी का पीछा कर पाए तो काम बन जाएगा। मेरी साउंड की जगह तुम्हें फोन की साउंड की पड़ी है, हमेशा ऐसे करते हो। हेलो भाई, मैं छोटा कालतूस बोल रहा हूँ। भाई गणेश ने आदत तगल को घेर लिया है, आपका गेम बजाएंगे। ये क्या बोल रहा है तू? गणेश और उसके आदमी गेस्ट हाउस पहुंचने वाले हैं। ये छोटा कालतूस काम तो करता है गणिया के लिए, लेकिन प्रभाकर की मदद कर रहा है। जैक, इतना अच्छा मूड बना था, सब खराब कर दिया। गनी के आदमी चाय की तपली पे, तुम्हारे काल के टायर को पंचर कर दिया है, किसी तरह वहां से निकल लो। तुम्हें मारने का शुभ काम मेरे को दिया है भाई, खाली पगाल बला देना। पगाल बला के नाम पे फुल काट दिया। कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आ गया, ये सीन फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाएगा। सही कहा, ब्लॉकबस्टर बनेगा तो मैं भी हीरो बनूंगा। प्रभु आशीर्वाद बनाए रखना, मर्डर में कोई लोचा नहीं होना चाहिए। ये कोई पुलिस का सायरन नहीं है, एम्बुलेंस है, बिंदास एंट्री मारो भाई। बैटरी है ना, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्योंकि कोई बात नहीं कर रहा है। भाई लगता है प्रभाकर भाग गया। भाई अपन ने सब जगह झाड़ी मारी, लगता है अपने को टोपा देकर निकल लिया। क्या बोला, भाग गया वो? आखिर कैसे भागा वो? हफ्ते में से किसी ने टिप दी होगी,
भाग गया वो। फील्डिंग लगाने के बाद भी, गाड़ी पंचर करने के बाद भी, कोई छोटा सा चूहा था जो दुबक के भाग गया वो। कैसे कैसे हो गया मिस्टेक? शायद एम्बुलेंस में। एम्बुलेंस को चेक नहीं किया? हमें लगा कि एम्बुलेंस में पेशेंट होगा। क्या बोला, इमरजेंसी था? और अपन की इमरजेंसी का क्या? अपन की इमरजेंसी का क्या? एम्बुलेंस जब किसी को हॉस्पिटल ले जाए तो इमरजेंसी, और गणिया जब किसी को ऊपर पहुंचाए तो वो भी इमरजेंसी है। समझा क्या? समझा क्या? क्या बात है, प्रभाकर के पास मस्त दिमाग है, एम्बुलेंस में निकल गया। एम्बुलेंस ज्यादा दूर नहीं गई होंगी, मैं जाके थूक दूं। क्या बोला, तू प्रभाकर को ठोकेगा? हाँ, प्रभाकर को। ये ठोकेगा, ये तिंगू कार्तूस। ए बाली, ये देख क्या बोला, तू ठोकेगा प्रभाकर को। ए बाली, ये समझा नहीं अभी तक। बेटा कार्तूस, ये फील्डिंग प्रभाकर को ठोकने के लिए नहीं लगाई, तेरे को। बैठ बैठ नीचे। प्रभाकर जी ने से गणिया बाप है उसका। 10 महीने भी नहीं हुए और तू गद्दारी की सीढ़ी चढ़ने लगा, कारतूस से डॉन बनने चला। गंदों में ठोक दूंगा, गंदों में ठोक दूंगा, बोल बोल के दिमाग चाट गया। बच्ची बहुत जल्दी थी ना बड़े होने की, ज्यादा उतावलापन मौत का आमंत्रण होता है। हा? क्या गलता भाई, आप पगल नहीं बना लेते इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। मैंने सिर्फ कॉल किया था, मुझसे गलती होगी भाई, अगली बार ऐसा नहीं होगा। अच्छा, टिप दिया ये गलती माफ की, लेकिन पार्टी वाले दिन शूटर को बाथरूम का टिप किसने दिया? भाई उधर सफाई हो ली है, आप उधर जाओ। जूते वो हाल है। बेटी के जन्मदिन को मेरा मरण दिन बनाने वाला था क्या है? बोलना। गलती हो गई, मैं ऐसा भी करूंगा, मेरी बेटी की कसम, इस बार माफ कर दो अन्ना प्लीज। लाइफ और ट्रस्ट सेम है बच्ची, एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। अल्लाह माफ कर दो, आप मुझे मत मारो, मुझसे बड़ी गलती हो गई भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप मुझे मत मारो। घड़ी घड़ी रोता काय को है बे, दिल में अचानक रहम आ गया ना। ठीक है, नहीं मारूंगा। किसी को ठोकने का बहुत शौक था ना तुझे? चलिए ले, खुद को ठोक। चल पकड़, पकड़ बे। ट्रिगर दबा। बेचारा, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें भी यहाँ पर नहीं ठहरना चाहिए, चल यहाँ से निकलते हैं, चल 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 यहाँ से चलते हैं। ये रहा प्रभाकर। अरे वाह, टाइटैनिक का हीरो आ गया। ए चिरकुट, मार्केट में सुमड़ी में कल्टी मार लेता है, पांचाल के कंधे से वार करता है, इस बार औरत के पल्लू का सहारा लेकर भाग रहा था मुन्ना। इसकी हीरोइन कहाँ है बे? ये प्लान किसने बनाया, कब बनाया, मुझे कुछ नहीं पता, सच कहता हूँ कसम से। फिर तो सोचना पड़ेगा, पांचाल की करतूत की सजा तुझे देना गलत होगा, उसे तो मैं ढूंढ ही लूंगा, लेकिन अगर उसने उल्टा तेरा ही नाम लगा दिया तो क्या करूंगा, यहाँ वहां घूम के फिर से तेरे को ही ढूंढना पड़ेगा। टिकट तो अभी कटेगा तेरा, दो बार एक ही आदमी को ढूंढना टाइम वेस्ट। मेरे को मेरे गुरुजी ने बताया, टाइम इज मनी, तेरा मास्क तेरी मौत, मजा आएगा। प्रभाकर को भी ठोक डाला।
यहाँ दोस्त और दुश्मन कोई मेरे लिए मायने नहीं रखता। जो मुझसे आड़ा फटेगा उसे सीने पे गोली मारेगा मैं। ए, हमारी जान भी ऐसी ली जाएगी, चल यहाँ से। रुकना, सॉलिड सीन है, इसे एंड तक देखना चाहिए। अब मेरा मतलब सुनना चाहिए। ए, लाशों को गटर में फेंक दे। ए, ये क्या है बे? चलना, बहुत डर लग रहा है, चलना। अरे चुपना, म्यूजिक प्लेयर है भाई, गाने सुन सकते हैं, फोटो देख सकते हैं। भाई इसके अंदर से माइक निकला। वाका, वाका, वाका। तो क्या मतलब, इसका रिसीवर जरूर होगा। हम लोग जो बातें कर रहे हैं कोई सुन रहा है। वाका, वाका, वाका। शांति मिल गई, बन गई तेरी फिल्म, उनके सामने हकीकत आ गई। ऐसी चीजें पुलिस इन्फॉर्मर या रिपोर्टर इस्तेमाल करते हैं भाई, अपने शिकार के पास रहकर उसकी सारी बातें सुन लेते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस वक्त भी कोई हमारी बातें सुन रहा है। ए, तू पुलिस का पिल्ला है या उनका कोई खबरी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बात भी मजे लेके सुन, तेरे पास 10 मिनट है, अपने सारे पुराने पापों का प्रायश्चित कर डाल। 11वें मिनट में तेरी कहानी खलास कर दूंगा। तू जहां कहीं भी होगा, मैं तुझे गीदड़ माफिक दौड़ा दौड़ा के भगा भगा के मारूंगा। मारे गए वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिधर भी तू मिला उधर ही तू मरा। हे, उनके आने से पहले निकलना होगा, जरूरी सामान पैक कर ले। मेरे माँ बाप जब काशी से वापस आएंगे उनको सिर्फ मेरी अस्थियां मिलेगी, बेचारे मेरा आखिरी दीदार भी नहीं कर पाए। और ये सब तेरी जिद की वजह से हुआ है, समझा तू? अबे माइक हमने रखा है, उन्हें कैसे पता चलेगा? और तुझे बचाने के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा, अब चल। मैं नहीं चल रहा तेरे साथ कहीं, इस दुनिया के किसी भी कोने से वो मुझे ढूंढ निकालेंगे, तू तो बाहर चला जाएगा। इस दुनिया में तू कहीं भी जा सकता है, पर मैंने तेरे ऊपर यकीन करके अपने पैर में कुल्हाड़ी मार दी, मेरे माँ बाप का क्या होगा? फिल्म में सेकंड हीरो बनने के जज्बात में मैं पूरी तरह बह गया था। लालत है मुझ पर, मुझे ही मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। मरेंगे तो सीना तान के शान से, बुजदिलों की तरह बिल्कुल नहीं। चल, ताला लगा। इन दोनों को मारने का कोई फायदा नहीं भाई, इन्होंने बड़ा गेम खेला है, इनके पीछे किसी ऊंचे इंसान का हाथ है। अभी क्या बैठ के इनकी आरती उतारोगे? सीधा ठोक दो ना इनको। रुक जाओ, ये सच बोल रहा है भाई। हमें किसी ने नहीं भेजा है, मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूँ, फिल्म बनाने के लिए आया हूँ। हाँ, ये सच कह रहा है, और इसकी फिल्म का मैं सेकंड हीरो हूँ भाई। फिल्म डायरेक्टर है क्या?
कौन सी फिल्म बनाई है तुमने? अब तक शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं। एक प्रोड्यूसर ने पैसा दिया तो कहानी की तलाश में आया। ये सच कह रहा है और इसी कहानी का मैं सेकंड हीरो हूँ। जब झूठ बोलो तो शक नहीं होना चाहिए कि झूठ बोला है। ऐसे छोटे से गांव में फिल्म कौन बनाता है बे? आप पर ही तो फिल्म बना रहा हूँ मैं, इसलिए आपके बारे में सारी जानकारी चाहिए थी मुझे। ये सच कह रहा है और इसमें सेकंड हीरो मैं ही हूँ। क्या बे, मेरी फिल्म बनाएगा? क्योंकि कहानी आप पे है ना, मैं तो मर मिटा आपके स्टाइल पे। आपकी हीरोगिरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मेरी कहानी मतलब वीरप्पन सरकार, ऐसी कोई कहानी? हाँ भाई, इतना क्लासिक डायरेक्टर नहीं हूँ जैसे डॉन, दयावान, वैसी वाली। जाने दो भाई। Hey, आज से लोग हमारी टीम में, अब उनकी फिल्म उतारेंगे ये लोग। तुम लोग का ड्यूटी है, ये लोग जो मांगेंगे मिलना मांगता है। गणेश की जिंदगी पे फिल्म में ये चकास बननी चाहिए। क्या बोलता है? इसमें सेकंड हीरो मैं ही हूं ना भाई। ये कौन है? अरे यही तो गणेश की अम्मी जान है। नमस्कार आंटी जी, मेरा नाम अभी है। यहां हर कोई गणिया से डरता है, पर मैं आपको दिल से थैंक्स कहना चाहता हूं। आपने उसे जन्म नहीं दिया बल्कि मेरे सिनेमा को भी जन्म दिया है। आपको फर्स्ट डे फर्स्ट शो दिखाऊंगा। इंसान ने ही पावर हाउस पैदा किया है। थैंक्स। रेडी है ना? हाँ हाँ रेडी। hey, रेडी। फोटो फोटो फोटो। फोटो नहीं ले रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। किसी को भी मारना गलत बात है। अत्याचार, अन्याय, अधर्म, ये सब करके कभी अफसोस नहीं हुआ? मतलब जब आप किसी को मारते हैं तब दिमाग में एग्जैक्टली चलता क्या है, क्या ख्याल होता है दिमाग में? भूख लगने पे मुर्गी काटते हैं, बच्चे उस चिकन को खा के बाप को आई लव यू बोलते हैं, पर मुर्गी के चूजे माँ को मारने वाले को राक्षस समझते हैं। मर्डर भी बिल्कुल वैसा ही है। एक के लिए न्याय तो दूसरे के लिए अन्याय। अब फैसला तेरे हाथ में है, तू क्या चुनता है? अब तक कितने घर उजाड़े हैं आपने? मतलब कितनों को टपकाया है आपने अब तक? शायद दो या फिर पांच। 10, 11, 12, 13, 14, 12, 12, 12, 14 हो गए ना? अबे नहीं बे 23, जब रैली में फायरिंग की थी 14-15 वहीं पे टपक गए थे। इसकी तो बराबर से तो याद नहीं है, 48 के आसपास होंगे। कल तुम दोनों को मार देता तो हाफ सेंचुरी हो जाती। अच्छा, जब आप इस धंधे में उतरे थे तब कितने साल के थे? बहुत छोटा, तभी से इस धंधे में आप। ओहो, तो आपने पूरी जिंदगी खून खराबा किया है, लानत है आप पर। क्या बोला बे? हाँ? गलती माफ। यही कोई 30 साल पहले की बात होगी। ज्यादा टाइम हो गया है। नहीं बे, दाढ़ी है उसकी वजह से, इतने मोटे हैं नहीं भाई। ये 84 में हुए थे कि 86 में? 80 या 90 में हुए होंगे। ए, इतना भी पुराना नहीं हुआ। उस वक्त बियर बार में वेटर था मैं, फुल बॉटल ओल्ड रम 38 रुपए में आता था, सिगरेट का डब्बा 1.70 रुपए में, तब की बात है। अगर असली साल याद भी ना हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं फ्लैशबैक में नई स्टोरी बनाऊंगा। गांव का नाम, मोहल्ले का नाम, सब कुछ नया। कैरेक्टर्स, साल, मेरी कहानी का वास्तविकता से संबंध होगा। खंबे की बोतल 38 रुपए, सिगरेट का पैकेट 1.70 रुपए, ये उस जमाने की बात है।
बाप बेवड़ा था इसलिए जल्दी टपक गया। माँ ने फूल बेच बेच के मुझे स्कूल भेजा। स्कूल में पैसे देने पड़ते थे, बार में पैसे मिलते थे। माँ से छुप छुप के काम पे जाता था। और क्या लाओ? अंगूर का पानी लेके आ। ठीक है ठीक है। अब ढक्कन का तरह बाप खोलेगा, ओपनर की तरह है। सर 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 उसे मारिए मत, मैं खोलता हूँ। मुंह से ढक्कन खोलने पे ₹2 मिले। ले बेटा ₹2 ऐश कर। और कार पे बोतल तोड़ने का रेट फिक्स था। धोखा 20 मिलेगा तेरे को। मेरे सर पे मंत्री का हाथ था, उसके बदले में उसकी ढाल बन गया। ₹20 में बोतल फोड़ने वाला अब ₹200 में गर्दन तोड़ने लगा। हाथ तोड़ने का ₹500 और मंत्री का दिमाग घूमा तो सर फोड़ने का ₹1000 कैश। एक सेकंड रुकिए। 5 साल की उम्र में आपने बॉटल्स फेंकी समझ में आता है, पर 18 होने के बाद भी सेम टू सेम वही लुखा गिरी, ऐसा कैसे चलेगा? सर मुझे एक फिल्म बनानी है जिसके आप हीरो होंगे, तो हीरोइन भी चाहिए ना। कभी किसी के साथ टाका नहीं भिड़ा, मतलब कोई लड़की पसंद नहीं आई? नहीं। एक गनिया एक थी ना वो। नहीं। अरे तेरे को प्यार हुआ था ना। मैंने कहानी खत्म, चल निकल भाग यहाँ से। जिस तरीके से आग बबूला हो रहा था, पक्का कोई ना कोई लफड़ा तो होगा जरूर, पर किसके साथ था, कौन थी वो लड़की, कैसी दिखती होगी? इन सारे सवालों के जवाब का पता लगाएगा हमारी फिल्म का सेकंड हीरो। बदमाश लगे रहो। उस लड़की में जरूर कुछ। गनिया तेरे को मिलना चाहता है। इस वक्त सुबह तेरे को झूठ बोला मैंने। एक लड़की थी अब उनकी लाइफ में, श्रीदेवी। चाहे कोई भी मैटर हो, कितना भी सीरियस क्यों ना हो, सब छोड़ के श्रीदेवी को देखने थिएटर में जाके बैठ जाता था। हुस्न की मलिका श्रीदेवी, परम सुंदरी श्रीदेवी, जिंदाबाद, हसीन दिलरुबा श्रीदेवी, जिंदाबाद, मेरे डार्लिंग। श्रीदेवी पैसा वसूल फिल्म थी, 10 बार और देखूंगा मैं, लेकिन वो हीरो मेरी श्रीदेवी से बहुत चिपक रहा था। हाँ। ये अपना हीरो जितेंद्र आजकल श्रीदेवी के साथ कुछ ज्यादा ही फिल्में नहीं कर रहा है, क्या बोलता है तू? अरे छोड़ना, पिक्चर है। अबे पिक्चर है तो क्या हुआ, डिस्टेंस मांगता है। एक काम करते हैं, फिल्म सिटी चलते हैं, धमकी देके आते हैं। ए, ए, तेरी श्रीदेवी को काट दिया किसी ने। अरे श्रीदेवी कहाँ जा रही है? पकड़ो भाभी गिर रही है। अरे श्रीदेवी रुको, श्रीदेवी
देवी, श्रीदेवी, ये तो कहाँ खो गई? श्रीदेवी, ए, श्रीदेवी है। ए भाई, ए, ये फूलों पे काय को लेट गया भाई? ए हटना, ए काम पे लगने को बोलो कोई इसको। ए भाई उठना भाई, ए। यानी असली हीरोइन श्रीदेवी नहीं, आपकी जिंदगी की श्रीदेवी। हाँ, फिर आगे क्या हुआ? कंप्यूटर के आते ही आधे स्टूडेंट वो सीखने चले गए, अब बाकी के स्टूडेंट्स को भी भगाएगा? सही बोला तू, अगर सब चले गए तो मैं क्या करूंगा। ए टकलू मास्टर, चल क्लास शुरू कर, हम भी सीखेंगे टाइपराइटिंग। तुम लोग टाइपिंग? बिल्कुल, अपुन के टाइप की। ए भाई, गनिया। ए भाई, ए भाई। ये वही है ना? तो कौन है? भाई ये जबरदस्त है, अगर किसी के सर पे मारेंगे ना तो वो बेचारा सीधा कोमा में चला जाएगा। नहीं नहीं, ये सर पे मारने के लिए नहीं, टाइपिंग करने के लिए। टाइप करो। ए क्या बे, हमारे एरिया में क्या कर रहा है? तेरे इधर लड़कियां नहीं है क्या? एक से बढ़कर एक पटाखा है उधर, लेकिन पता चला कि मर्द नहीं है इधर, इसलिए आया मैं। ए कालिदास, चल इनको सबक सिखाते हैं। शुरू हो जा। श्री देवी मेरी पड़ोसन है भाई, हम आपको उसकी कटिंग देंगे। हाँ भाई, मैं भी कॉपरेट करूंगा भाई। हाँ भाई, भाई मान जाइए ना भाई, आपको श्री देवी ही कसम भाई। घर का पता मिल गया मतलब प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसा किधर हुआ, प्रॉब्लम की शुरुआत तो अब होने वाली थी। महाराज शांतनु गंगा तट पर शिकार खेल रहे थे। ओहो श्रीदेवी, लगता है एंटीना पे कौवे फिर से बैठ गए। जा जाके उड़ा दे बेटा। जब से तुझसे नजरें भिड़ी हैं, हाय सब धुंधला हो गया है। आहा, रुक जा, आ गया। अरे क्या कर रही है, फिर से चला गया। अब दिखा, दिखा दादी माँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ, दिखा दिखा दिखा। हाँ हाँ, आ गया आ गया। अरे ठीक से पकड़ना। खुद आकर पकड़ लीजिए,
यहाँ एंटीनी पर एक कौवा बैठा है। इस उम्र में लड़के नौकरी की तलाश में होते हैं, तुम्हारी तरह छोकरी की तलाश में नहीं। फौजी की भर्ती चालू है, हट्टे कट्टे हो, अप्लाई करो। कुछ सोचा भी है कि जिंदगी में क्या करोगे या फोकट ही रहोगे? तुम्हारा जिंदगी में कोई तो पैशन होगा ना? क्या बोला? ये बेल बॉटम पैंट, बड़े बूट्स, लेदर की बेल्ट, चकाचक प्रेस की हुई शर्ट, मेरे को फैशन नहीं आता क्या? पूरी दुनिया मेरे फैशन की फैन है, है? अरे ये सब फैशन है, और मैं कह रही हूँ पैशन, जुनून। जैसे कपिल देव को बॉलिंग का जुनून है, और बप्पी लहरी को म्यूजिक का जुनून, मिथुन चक्रवर्ती को डांस का जुनून है। तुम्हें सोचना होगा तुम्हारा जुनून क्या है। जिंदगी में कुछ करोगे ना तभी आगे बढ़ोगे। गुड बाय। अरे मैं उसको बोलने ही वाला था, लेकिन जैसे ही वो सामने आई ना मैं। कॉलेज में एक लड़का श्रीदेवी को तंग कर रहा है। मेरे सामने ही उसने। तूने इसे छेड़ा ना? अब देख क्या होता है। अरे ये क्या कर रहा है? अच्छा ये मस्ती रे, मजा आ गया। पहले पैसे के लिए मारा करता था, फिर तेरी बातें सुनके सोचा उस गधे को मारा तो क्यों मारा। तब दिमाग की बत्ती जली, किसी गरीब और मासूम पर अत्याचार करने वाले सुअर के हाथ पैर तोड़ देना, ये मेरा पैशन है। पैसे और पावर के घमंड में चूर को मारना, ये मेरा पैशन है। कपिल देव के लिए विकेट लेना, बप्पी के लिए हिट गाना देना, और मेरे लिए हड्डियां तोड़ना, सेम टू सेम, यही मेरा पैशन है। आज इसी पैशन ने तुम्हारी इज्जत बचाई है। इसी जुनून के साथ आज तक जिया हूं, आगे भी जीता रहूंगा, पर तुम्हारे बिना जीना नामुमकिन है। वो फिल्म वाली श्रीदेवी और ये श्रीदेवी मेरे लिए एक ही है। तुम्हें दिल में बसा के रखूंगा एक महारानी की तरह। एक बार मेरा हाथ थाम लो फिर कभी नहीं छोड़ूंगा, अपनी आखिरी सांस तक। देखो वो आ गई। कहाँ थी श्रीदेवी? मैंने कॉलेज में फोन किया था पर किसी ने जवाब ही नहीं दिया। इतनी देर क्यों कर दी? चलो। मैं छोटे मुंह बड़ी बात नहीं करती, मेरी पोती गाय है गाय। अगर कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए। कुछ नहीं पूछना, मुझे लड़की पसंद है। पहले इस लड़की की भी मर्जी जान लीजिए। हमारे खानदान में लड़कियों की पसंद से कुछ नहीं होता है, इसके बाप को पसंद आना चाहिए। तो बताओ बेटा, ये रिश्ता तय कर लें? जैसी आपकी मर्जी पिताजी।
ये पुलिस ऑफिसर है, सरकारी सैलरी तो है ही, साथ में ऊपर की कमाई भी, इसलिए दहेज दिल खोल कर देना। सब ठीक हो जाएगा बेटा। थैंक यू। खाना टाइम पे खाया कर। ओहो, अरे अंगार लगे इन कौओं को, जरा जाकर देख तो। फिर से रुकावट के लिए दिल से सॉरी। तेरे रिश्ते की बात सुन के अब उनका दिमाग खराब हो गया, और तू घर से बाहर भी नहीं आ रही थी, इसलिए एंटीना के बहाने तेरे को ऐसे बुलाना पड़ा। मेरा दिल जीतने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाया, और एंटीना घुमाने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? तुम्हें पता है, जिन्होंने मुझे पाला पोसा, उनसे बिछड़ने का दुख नहीं था, मुझे तो बस तुम्हारा ख्याल आ रहा था, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही थी। जिस दिन से तुमने कहा कि महारानी की तरह रखूंगा, मैं तो खुद को तुम्हारी महारानी समझने लगी थी। प्यार के आगे तुम्हारी गुंडागर्दी तक मैं भूल गई थी, तुम पर सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार थी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। अब उनका भी यही हाल है, तेरे बिना नहीं जी सकता मैं। दो दिन से मैंने ना दारू पी, ना रात को सो पाया, यहाँ तक कि श्रीदेवी की नई फिल्म भी नहीं देखी मैंने। पता है तुम्हारे प्यार के चक्कर में मैं दो दिन से भूखी हूँ, और जनाब को अपनी दारू की पड़ी है, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और एक बात बताओ, हम दोनों के बीच में ये सौतन श्रीदेवी कहाँ से आई? हाँ, अब श्रीदेवी ही फैसला करेगी। बोले तो अगले चित्रहार में अगर श्रीदेवी का गाना बजाना तो ही शादी करूंगी, और अगर नहीं बजा तो वो अभय है ना, वैसे भी वो मेरे घर वालों को बहुत अच्छा लगा है। अब चित्रहार के गानों से हमारी शादी का फैसला होगा क्या? हाँ बिल्कुल। ये तो गलत है ना, ताजमहल नहीं सिर्फ एक गाना मांगा है। श्रीदेवी मुझसे शादी करने के सपने देख रही थी, और वहीं दूसरी तरफ पेद्या गुंडापल्ली के एमएलए को मारने का प्लान बना रहा था। श्रीदेवी की फैमिली को हमारी लव स्टोरी के बारे में पता चल गया, बड़ा झोल हो गया। तुम समझने की कोशिश करो। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारे बगैर नहीं रह। श्रीदेवी मेरे साथ भागना चाहती थी। लेने आओगे ना? हम कहीं और जाके शादी करने वाले थे, लेकिन तभी। ठीक है, ये मर्डर कर दे फिर जा। नहीं बॉस, आज से मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए। मेरे जैसे पावली के 50 गणेश आपको मिल जाएंगे, पर देवी के लिए, उसके लिए तो मैं अकेला ही हूं। अब मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता। चल काशी। एसपी साहब, मैं बोल रहा हूं, गनी ये धंधा छोड़ना चाहता है, अब जो करना है आपको करना है। रेलवे स्टेशन गया है वो?
उधर जा रे राजू, तू उधर जा। ए लगेज में देख, लगेज में। ए तू उस बोगी में देख, इंजन में भी एक नजर मार। देख लिया भाई, नहीं है इधर। चलो निकलते हैं। देवी, देवी, देवी मैं आ गया। गणेश। देवी कहाँ हो तुम? तू मेरा खून है इसलिए तेरी जान नहीं लूंगा, लेकिन अगर तू कहेगी तो गणेश की जान बख्श सकता हूं। अगर तूने इनकार किया तो उसे मौत के बिस्तर पर सुला दूंगा। अब फैसला तुझ पर है, उस गणेश की जिंदगी चाहिए या फिर उसकी जलती हुई चिता देखना चाहती है। इसकी वो हालत कर दो कि श्रीदेवी इसे पहचान न सके। आशिक की औलाद। उसके बाद कभी उससे मिलना हुआ? उन लोगों ने श्री देवी से गन्या को भूलने का वादा लिया, तब इसे जिंदा छोड़ा। और फिर? 3 दिन टॉर्चर करने के बाद उन लोगों ने मुझे उसी हालत में छोड़ दिया। ये गुंडापल्ली के सिटिंग एमएलए, इन्होंने ही तुम्हारी बेल करवाई है। गणेश तुम चाहते तो मुझे मार भी सकते थे। अगर आज मैं जिंदा हूं तो वो तुम्हारी वजह से। एमएलए होने के नाते आज से सत्ता की बागडोर मैं संभालूंगा और राउडीगिरी तुम संभालोगे। तुम्हें पता है गणेश, तुम्हारी रेलवे स्टेशन की बात किसने लीक की? उस बुड्ढे दया ने। दया! क्या बात है गणी, कैसा है? योर ऑनर, इस केस में सबूतों और गवाहों की कोई जरूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मुजरिम की माँ ही गवाह है। जब गणेश ने मर्डर किया तो उसकी माँ ने उसे कत्ल करते हुए देखा। जज साहब, मेरी माँ बोल नहीं सकती क्योंकि वो गूंगी है। 9 2 18 9 2 18 9 3 27 9 3 27 गणेश के केस में चश्मदीद गवाह न होने की वजह से ये अदालत गणेश को बाइज्जत बरी करती है और इस केस को खारिज करती है। जिस दिन से मैंने माँ को अदालत में गूंगा कहा, उस दिन के बाद से मेरी माँ ने मुझसे बात करना बंद कर दिया। अगर उस दिन श्रीदेवी के साथ चले जाते तो आज आप एक अलग इंसान होते। नहीं, जिंदगी बेरहम होती मेरे दोस्त। तुम बड़े से बड़ा सपना देख सकते हो लेकिन वो कभी पूरा नहीं होता। काम कहां तक पहुंचा तुम्हारा? ऑलमोस्ट हो गई है, स्क्रिप्ट भी तैयार ही है, समझो बस वहां पर आकर शूटिंग शुरू करनी है। गणेश के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली क्या? अरे खुद उसी ने तो इन्फॉर्मेशन दी है। आपने बचपन के बारे में, जुर्म के बारे में, कितने खून किए वो भी बताया। सब कुछ रिकॉर्डेड है। ठीक है ठीक है, जल्दी आ जा। ठीक है मामा, रखता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है?
आईजी साहब घर पे हैं क्या? क्या काम है? मैं पत्रकार माधव राव बोल रहा हूँ। रुकिए अभी देती हूँ। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, मैं माधव राव। हाँ बोलो, क्या बात है? जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी उसके सारे सबूत मेरे पास हैं। आई थिंक यू कैन प्रोसीड नाउ। ओके। गैंगस्टर की स्टोरी ढूंढने आए थे और किस्मत देख लव स्टोरी मिल गई है। सब मेरा करम है। तुम सिर्फ मुझसे प्यार का नाटक कर रहे थे। बीच में हड्डी नहीं बनूंगा, जल्दी निकल वरना जाया हो जाएगा। कुछ लव स्टोरी सिर्फ फिल्मों में ही अच्छी लगती है, असली जिंदगी में दर्द देती है। हाँ सही कहा, जैसे हमारी लव स्टोरी। अपनी इस लव स्टोरी के लिए तुमने सबको यूज किया, मुझको, गनिया को। तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? तुम्हें यूज करना चाहता तो कमरे में ले जाके। तुम्हें पसंद करता हूँ भूमिका, पर मेरा पहला प्यार सिनेमा है और मैं अपनी पूरी लाइफ उसे कमिट कर चुका हूँ, इसलिए हमारे रिश्ते को मैं चाह के भी कमिट नहीं कर सकता। मतलब हमारा रिश्ता खत्म हो गया है? या तुम्हारी डायरेक्टर वाली भाषा में कहूँ तो हमारी लव स्टोरी का दी एंड हो गया, या इंटरवल है? हमारी कहानी उस स्क्रिप्ट की तरह है जो कभी पर्दे तक नहीं पहुंचती, तो ये ना इंटरवल है ना ये दी एंड है। ये वो यादगार कहानी है जो रिलीज होती तो ब्लॉकबस्टर बनती। ठीक है, मैं भी देखती हूँ एक लड़की का दिल दुखा के तुम कैसे कामयाब बनते हो। अरे ए, भूमिका। ए, अभी कल हैदराबाद जाने वाला है, अब उन पे फिल्म बनाने वाला है वो, उसे खिलाओ पिलाओ नचाओ साला ऐश कराओ मजा कराओ। ए अभी ये बताइए, फिल्म का हीरो कौन होगा, रणवीर सिंह या अक्षय कुमार? ये बुढ़िया, तू तो गणेश को बचपन से जानती है ना, इसका रोल कौन हीरो अच्छा करेगा? दिलीप कुमार या राजेश खन्ना, दोनों बढ़िया रहेंगे। कुछ भी, तुझे लेने यमराज आ ही रहे। इकट्ठे शटर बंद कर, आज की तारीख में कौन बढ़िया है मुझे क्या मालूम, भूमिका से पूछो, अखा दिन ढिंचक चैनल देखती रहती है। फिल्म तुम्हारे ऊपर है तो कोई और क्यों हीरो बनेगा, तुम ही हीरो बन जाओ ना। हाँ। भूमिका क्या जोक मार रहा है, घनिया भाई हीरो, एक्शन। हेलो, मैंने जोक नहीं मारा है, अपने घनिया में क्या कमी है, दिखने में खतरनाक है, भयानक है, मतलब गुंडे के रोल के लिए फिट है। हेलो, सारे लंबे चौड़े लोग हीरो नहीं बन सकते, टैलेंट नाम की भी कोई चीज होती है, और कैमरे को फेस करने के लिए गुर्दा चाहिए। एक बार जो डिसाइड कर लिया वो हो गया, चाहे मौत हो या फिर कैमरा, मैं सबको फेस करेगा। तेरी फिल्म का हीरो मैं बनूंगा, ये फाइनल है। हीरो गणेश बनेगा हीरो। गणेश ये कैसी बातें कर रहे हो? आज पूरा शहर जानता है, कल पूरी दुनिया जानेगी कि गणेश गुंडापल्ली कौन है। फिल्म का हीरो मैच रहेगा। घनिया भाई तुम नशे में हो, हम सुबह उठ के बात करते ना। अबे अच्छे से। तूने मेरी कहानी सुनी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरी बात सुनूंगा। हीरो के लिए तुम मुझे ही साइन करेगा, मैं पूछ नहीं रहा हूं, हीरो के लिए तुम मुझे ही साइन करेगा, समझा? समझाना समझाना, ओके कि नहीं? ए डायरेक्टर ने ओके बोल दिया, मतलब मैं हीरो है। सेकंड हीरो मैं ही रहूंगा ना। कनिया का दिमाग खराब हो गया क्या,
एक ही दिन में कोई हीरो बन सकता है? अरे वो मर्डर में एक्सपर्ट है, एक्टिंग करने में नहीं। अरे पहली फिल्म कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था इसलिए तो उसे ढूंढ रहा था, अब वो मिल गया तो क्या कॉम्प्रोमाइज कर लूं? बेटा जिद एक ऐसी चीज है जो इंसान का सब कुछ लूट लेती है। लो एक और ज्ञानी आ गया ज्ञान बांटने। देखो बात ऐसी है, जब प्रोजेक्टर चलता है ना तो मेरी धड़कनें चलती हैं। फिल्मों के लिए दीवाना हूं मैं। मेरे बाबा भी यही प्रोजेक्टर चलाते थे, बस तभी से मुझे फिल्मों का जुनून चढ़ गया और वो जुनून मुझे यहाँ तक ले आया। एक जज्बे ने मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर बना दिया, कुछ साल बाद मैं डायरेक्टर बन गया, ऑफर भी आए। स्क्रिप्ट में मेरी जान बसती थी, ख्वाब बस पूरा होने वाला था। तभी प्रोड्यूसर आ गया और उसने कहा कि हीरो को विलन बना दो। तब मैंने उसे गुलशन को लेने की सलाह दी, लेकिन उसके पल्ले ही नहीं पड़ा, वो मेरे एक सुनने को तैयार नहीं था। फिर तहश में आकर मैंने फिल्म छोड़ दी। ओ तेरी, उसके बाद क्या हुआ? अरे दूसरी फिल्म के इंतजार में मेरे बालों तक ने रंग बदल दिया, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मेरी तकदीर पलटी खाएगी। लेकिन तब से लेकर आज तक किसी प्रोड्यूसर ने मुझसे बात नहीं की। बस ऊपर जाने से पहले माइक अपने हाथ में लेकर एक्शन, ये एक लफ्ज बोलना चाहता था, लेकिन अब उम्मीद टूट चुकी है, कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म। कोई काम आसान नहीं होता और मौका किस्मत वालों को मिलता है, और बदनसीब ऐसे मौके को गंवा देते हैं। मुझे इसलिए कॉम्प्रोमाइज करने को कह रहे हैं क्योंकि तब आपने नहीं किया था। नहीं नहीं नहीं। तो फिर क्या कह रहे हैं? बेटा मैंने समझौता करने के लिए नहीं कहा, एडजस्ट करने के लिए कहा। देखो फिल्में छोड़कर और काम करना ये समझौता है, लेकिन किसी और तरह से वही फिल्म बनाना ये एडजस्टमेंट है। अरे हीरो क्या होता है, डायरेक्टर के आगे कुछ नहीं। डायरेक्टर जीरो को हीरो बनाता है, वो कुछ भी कर सकता है, चमत्कार कर सकता है। बेटा दूसरों पे नहीं, खुद पे भरोसा रखो। ये सीख सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं, हर पेशे के लिए सही है। हर इंसान को एडजस्ट करके ही जीना होगा, तभी कामयाबी मिलेगी। मैं आपसे वादा करता हूँ, एक दिन आपको मुझ पर गर्व होगा। आप फिल्मों को भले डायरेक्ट ना कर पाए, पर मेरी लाइफ को डायरेक्ट कर दिया, आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ऑल द बेस्ट बेटा। एक नंबर का गुंडा है गणेश, वो कोई महात्मा संत या फिर साधु नहीं है जिस पर आपका बेटा फिल्म बना रहा है। और तो और, इस फिल्म का हीरो वो गुंडा गणेश ही है। गुंडे पे फिल्म बनाने के चक्कर में वो कहीं खुद ही गुंडा ना बन जाए। मेरी पिक्चर के हीरो तुम ही हो। रुको रुको, पहले बात तो सुनो। ए रुको रुको रुको, डायरेक्टर साहब कुछ बोल रहे हैं। तुम्हें ऑडिशन देना पड़ेगा। क्या मतलब? टेस्ट लूंगा, देखना चाहता हूँ कि तुम डायलॉग कैसे बोलते हो। किसी भी फिल्म का बोलो, कोई भी डायलॉग चलेगा। अरे ओ शेर खान, वो एक दो नहीं, पूरे पूरे 100 भेजो एक साथ, पूरे 100। अरे बाप रे, जब ये एक एक डायलॉग सोच सोच के बोलेगा तो जिंदगी बीत जाएगी। एक्टिंग और बटर में थोड़ा फर्क है। अरे यार अगली लाइन भूल गया मैं, क्या थी? 50 बोलो, 50,000। हैं? पूरे 50,000। बोलो बोलो। हाँ, कितना इनाम है हम पे? पूरे 50,000। शेर खान, सही है ना? भाई डायलॉग वर्ड टू वर्ड याद नहीं हो चलेगा, पर रियलिस्टिक तो लगना चाहिए ना। हाँ, तो वही डायलॉग पर अलग स्टाइल में, थोड़ा नेचुरल, थोड़ा सा कैजुअल। अपन की स्टाइल में? हाँ नेचुरल नेचुरल, एकदम नेचुरल। हाँ ले ले। हाँ ये तो अलवा है। हाँ रेडी वर्मो। बोल तो ऐसा रहा है जैसे कर लेगा। हाँ? अभी देखना, हैंड एक्शन। अरे ओ सांभा, सरकार कितना इनाम रखे हम पे, पूरा 50,000 रुपया। देखा ना क्या बात है। रिश्ते में तुम तुम्हारे बाप होते हैं, लेकिन नाम का आता पता नहीं। क्या एक्टिंग है। अरे गधे डेढ़ शाणे, शराब बुरी चीज है, इतना पिएगा तो लीवर खराब हो जाएगा, तो पारो क्या करेगी? तेरे में इतना छेद करेगा कि भूल जाएगा कि सांस कहाँ चले। और ये देख, काल भैरव नहीं है मैं, गणेश गुंडा पल्ली गणेश हूँ मैं, तोड़ फोड़ के रख देगा बेटा, क्या समझा? क्या था ये, क्या था? गोंडा पल्ली गणेश मगधीरा कैसे हो सकता है? तूने मेरी स्टाइल में बोलने को बोला तो मैंने बोला वैसा। ये पंटर लोग का रिएक्शन देख कितने खुश हैं वो लोग, तेरा टेस्ट ही खराब है। <laughs>
रेडी। अरे ओ शाहरुख खान। नहीं भाई शेर खान। आई शाहरुख खान नहीं शेर खान। हाँ शेर खान। हाँ एक्टिंग सिखानी पड़ेगी तुम्हें। सुमित तनेजा सीनियर एक्टिंग टीचर हैं, उन्हें बुलाना पड़ेगा। डायरेक्टर इनके साथ हम भी एक्टिंग सीखेंगे, हमारे अंदर भी कीड़ा है, मिलके काटेंगे। हाँ साथ में मैं भी क्लास में बैठ जाऊंगा। वैसे तो सेकंड हीरो मैं ही हूँ, फ्री में अगर ज्ञान मिल रहा है तो ले लेना चाहिए। अच्छा ठीक है, जिसे भी इंटरेस्ट हो मुझे बता देना। और शूटिंग तभी शुरू होगी जब टीचर पास करेंगे। वो अप्रूव करेगा क्या? वो भी कन्हैया को, उसका बाप भी करेगा। बिना कैमरे पे आए एक्टिंग सिखाने वाले सुमित तनेजा आपके सामने हाजिर हैं। उस्ताद जी सलाम। क्या रे सलाम ऐसे करते हैं? मैं योगा कर रहा था। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, ये पूरी दुनिया एक स्टेज है और हम सब एक्टर हैं। गुरुजी मेरे को बच्चन बनने का है, मेरे को इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो चंद देना बंद करना होगा टकलिया। सड़े हुए बतख के अंडे, तेरी जरूरत कैसे हुई मेरे सामने बिना फिल्टर की बीड़ी पी रहा? पड़ोसियों की रास लीला, इधर आ जल्दी आ। उस्ताद के सामने बेहुदा हरकत, आज तेरी चर्बी निकालता हूँ। प्लीज मेरी बात सुनो गणिया भाई, गुरु समझ के माफ कर दो प्लीज। गलती हो गया मास्टर, माफ कर दो। ए, ट्रेनिंग खत्म होने तक कोई से हाथ नहीं लगाएगा। ये क्या, ट्रेनिंग के बाद खत्म कर दोगे? प्लीज गणिया भाई, ये फकीर आपसे भीख मांगता है, मैं तुम्हारे सामने झुकता हूँ, मेरी जान बख्श दीजिए। तुम लोगों को लगा मैं खौफ खा गया है? मैंने बस अपनी एक्टिंग का नमूना दिखाया, बुजदिल शख्स क्या खाक एक्टर बनेगा? मैं एक एक्टर हूँ। तेरे खौफ से कितने लोग थर्राते होंगे? 10 लोग, 100 लोग, 1000, करोड़ों लोग इस उस्ताद की एक्टिंग के दीवाने हैं। एक्टर के सामने गुंडे की कोई हैसियत नहीं, समझे? खाली इशारा कर गर्दन काटता हूँ इसकी। अभी नहीं तो कल सवेरे क्लास 4 बजे शुरू हो जाएगी, सबके सब 4:15 बजे हाजिर हो जाना। इतनी जल्दी मुर्गे नहीं उठते, हम क्या उठेंगे? ये जल्दी है तो 3 बजे हाजिर हो जाना, 2:45, समझे? हाँ हाँ उस्ताद समझ गया। दरअसल मैं आपके फिल्म का सेकंड हीरो हूँ ना, तो मैं यहाँ पर एक्टिंग सिखा रहा हूँ, ओवर एक्टिंग नहीं, 3 मतलब 2:45, समझे? जी उस्ताद। बोला जी, जी जी बोला जी। अच्छा शागिर्द बनेगा जी उस्ताद। ठहर जाओ, अब स्लो मोशन में। उस्ताद से एकदम पीछे रहे। गुस्सा और गुस्सा, अंदर के जानवर को जगा। एक नंबर का ढीला है तो गुंडा बनने की औकात नहीं है। कैरेक्टर जगा रहा था। छोड़ो, ठीक है, समझे? ठंडे रहो, शांत रहो, गर्म दिमाग नहीं, ठंडा दिमाग रखो, आराम से, संयम से। मैं भी झुकेगा नहीं साला। ये हमारे सिनेमा जगत के टॉप खलनायक हैं, इन्हें हमारी लैंग्वेज नहीं आती पर बॉडी लैंग्वेज से सब बयां कर देते हैं, इसलिए इंडस्ट्री में मशहूर है। शिवाजी राव गायकवाड़, पैदाइश महाराष्ट्र, कर्नाटका में कंडक्टर थे, तमिलनाडु के सुपरस्टार बन गए। वो अपनी बॉडी से हीरो नहीं बने, अपनी बॉडी लैंग्वेज से हीरो बने। सर बॉडी लैंग्वेज में तो ABCD नहीं होती है। अभी इसको बॉडी लैंग्वेज सिखाओ। जी सर। इधर Yes. A for औकात में रहे, B for बग बग बंद कर, C for बताऊं या समझ गया? समझ गया। B for C for cinema. C for cinema. चल बढ़िया। Thank you sir. तो बॉडी लैंग्वेज सुधारने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है। हाँ, A plus B whole square is equal to हम तेरे मुंह से एक और लफ्ज निकला तो यही दफना दूंगा। गनिया पैर काट देता हूँ इसका। अभी नहीं। A plus B whole square is equal to A square plus B square plus 2AB. आसान फॉर्मूला है, स्कूल में सिखा ही होगा। नमूना दिखाता हूँ। अभी
सर बच्चों को एक सैंपल दिखाएं। आग बबूला। ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। हाँ बस ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। मातम। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू ए बी। तो शागिर्दों टपरी पर चाय पियो या फाइव स्टार में खाना खाने जाओ, मोहब्बत से समझाओ या डराओ धमकाओ, प्रपोज करना हो या ब्रेकअप, हर जगह इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करो। जल्दी पसंद करो ना ये या मैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू ए बी। अबे कभी एक मयान में दो तलवार घुसते हुए देखी है क्या? होल स्क्वायर हो। इसको मैं मजा चकाती है, इस कल मुहे को टिकट एक खरीदनी और सवारी दो की करनी है। टू ए बी टू ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। 60 रुपए हुए भाई। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू डी, आंसर बता नहीं तो पैसा नहीं दूंगा, बता। अगर मैंने ए बी सी डी पढ़ा होता ना तो किसी ऑफिस में होता, रिक्शा क्यों चलाता? पैसा निकाल। ए प्लस बी प्लस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है ना, चल अब निकल। आज सुबह सुबह बीबी का मुंह देख लिया था, इसलिए मेरा दिन तो खराब होना ही था, पूरा 60 रुपए का नुकसान हो गया। मेरी बद्दुआएं तुझे जुलाब होंगे। देखते हैं किसकी नैया पार हुई है। अव्वल नंबर पर है इमली चोर, सीडी वाला कांटा, ए अपु थोड़ा या कासी, सूरी गुंडप्पा, डॉक्टर डैंग, नोगैम्बो, कातिया, सांबा, हल्लाल। अबे सर, जिन जिन के मैंने नाम लिए उन्हें नाली के काले पानी में डुबोकर गांव के चौराहे पर सूखने डालो। एक्टिंग का ये भी नहीं पता है इन्हें, चरस गांजा खाने से कोई एक्टिंग नहीं सीख लेता। अब रह गया सिर्फ गणेश, मेरा होनहार शागिर्द। इसने मुकाम हासिल कर लिया, अब शूटिंग शुरू कर सकते हो। एक ट्रॉली लगा। ये निशान काय को मिटा रहा है? ऐसा करने को डायरेक्टर ने कहा। अरे भाई, एक नंबर का भाई। पहली दफा फिल्म कर रहा है लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा। अरे भाया तो करने देना, आज तक किसी की पूरी की है क्या? वो तो है। हाँ। अरे चाचा आओ ना। अरे आओ शर्मा मत। चाचा मोहरे शॉट आप डायरेक्ट करोगे। बेटा मैं? आपकी अधूरी ख्वाहिश आज आप पूरी कर लीजिए और आशीर्वाद दीजिए। लाइट्स ऑन। क्लैपिंग स्टार्ट। साउंड रोल कैमरा। वाह वाह प्रोडक्शन, प्रोडक्शन नंबर 9 मोहरत शॉट, ऑल द बेस्ट बोलो मुझे। एक्शन। गणेश गुंडपल्ली गणेश, सही है ना? कट। चाचा हो गई, ख्वाहिश पूरी हो गई बेटा। आजकल जिसे देखो डायरेक्टर बन जाता है। हाँ कभी मिलो तो गुड मॉर्निंग करें। अरे वेलकम मयूर भाई। हाँ बहुत अच्छा कैरेक्टर है, जम के करना। हाँ जब तुमने राइटर को एक्टर बना दिया है तो करेंगे कोशिश। ये कांडी यहाँ क्या कर रहा है? पर डे विलन है सर, अभी घंटे के हिसाब से लेता है। आजकल के विलन सिर्फ बेस में बोलते हैं अबे कौन है बे तू और कहाँ से आया है, काट कर खून पी जाऊंगा। और क्या, अबे कौन है बे तू, कहाँ से है, काट कर खून पी जाऊंगा। बोला था ना ऐसा ही है, राइटर तो मैं ही हूँ ना। सर नेक्स्ट शॉट आपका ही है,
प्लीज तैयार हो जाइए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। मैडम शॉट रेडी। मैं रेडी नहीं हूँ, वेट करने बोलो। अरे आओ अंदर आओ। अशोका जो युद्ध छोड़ छाड़ कर एक महान संत बन गए और मेरी पिक्चर के लिए एक पापी गुनहगार कलाकार बन गया, इसलिए मैंने सोचा मैं भी अपनी पिक्चर का नाम अशोका रखूंगा। ऐसे नाम अनाथाश्रम और वृद्धाश्रम के रखने चाहिए, समझा? फिल्मों के नहीं। जो भी मेरी फिल्म के लिए मस्त नाम लेके आएगा उसको ढिंचक पार्टी देगा मैं। गणेश भाई कर दूंगा तंबू में घबराहट। कैसा लगा? अबे टक लिया। ए सड़ेले अपने जैसा नाम मत बोल, दम चाहिए नाम में। गणेश गुंडों को संदेश। भाई ये तो माइथो नाम लग रहा है। सिटी मार रखते हैं। गणेश भाई जैसे ही पर्दे पे आएंगे हॉल में सीटियां बजेंगी। सही है भाई। बिल्कुल जबरदस्त। ए एक्शन कट, टाइटल सुन लिया ना? फिक्स कर दे, सिटी मार। सिटी मार क्या नाम है? अगर अशोका रखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में भी अपना नाम हो जाएगा। अबे ए डायरेक्टर भाई की बात में लात घुसेड़ी ना तेरी टांग काट दूंगा। भाई मेरी तरफ से सिटी मार फिक्स। सिटी मार, सिटी मार, सिटी मार, सिटी मार, सिटी मार, सही है, सही है, मार, सिटी मार, सिटी मार, सिटी मार, सिटी मार। अभी आज पता चला फिल्म बनाना कितना मुश्किल होता है। I'm sorry अभी, पता नहीं उस दिन गुस्से में क्या क्या कह दिया तुम्हें। चलो अब जाके तुम्हें एहसास तो हुआ, वरना मुझे तो लग रहा था कि इस जन्म में तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगी। अब से मैं सब कुछ समझने की कोशिश करूंगी। अभी दिमाग में कचरा भरा है क्या? कभी किसी से इश्क नहीं किया? टेक फाइव चलती है क्या? अंदर से महसूस कर। टेक नाइन तू आती है कि मैं जाऊं? टाइम नहीं है मेरे पास। कुच्ची कुच्ची रकमा। टेक 15 मैं तुम्हारा वेट करेगा। डायरेक्टर साहब गुड टेक ना। टेक 21 मुझे मोहब्बत देखनी है। टेक 45 हरा जो तेरे अंदर भरपूर है। टेक 50 सामने कम से हसीना देखने पर दिमाग में यश चोपड़ा के गाने गूंजने चाहिए। अपुन अमरीश पुरी का फैन है। हैं? अमरीश पुरी। अरे वो तो रोमांस की गहराई तक जाते हैं। जी कर रहा है तेरी दाढ़ी में खटमल छोड़ दूं। बगैर दिल का इंसान। मैम प्लीज एक लास्ट टेक दे दीजिए। और कितने टेक्स होंगे? टाइम वेस्टिंग है। वैसे भी बैक शॉट है, डुप्लीकेट यूज करो। मैं कॉस्ट्यूम भिजवाती हूँ। मैम बैक है पर लेकिन गनी तो गुंडा है इसलिए गुंडागर्दी करता है, पर ये हीरोइन है तो कहाँ से रहो ना हीरोइन। गड़िया सोचो जिस देवी से तुम प्यार करते हो वो यहाँ पर ही खड़ी है तुम्हारे सामने। पूरी दुनिया समाज सबसे लड़कर आई है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए। भूल जाओगी ये भूमिका है, ये श्रीदेवी है। बस एक बार अपने सच्चे प्यार को याद करो। देवी रोल कैमरा एंड साउंड एक्शन। देवी मैं आ गया हूं, अपनी दुनिया को हमेशा के लिए पीछे छोड़ के तुम्हारे पास आ गया हूं। मेरे ख्वाबों में ख्यालों में हर जगह सिर्फ तुम ही तुम रहती हो। तुम्हारे लिए मैं दुनिया से लड़ने को तैयार हूं, चाहे जो हो जाए आखिरी सांस तक लड़ूंगा। मुझे छोड़ के मत जाओ देवी, मर जाऊंगा मैं देवी, मर जाऊंगा। डिस्ट्रीब्यूटर से खूब माल लेटूंगा। कट इट, सुपर्ब, सुपर्ब। क्या बात है गड़िया भाई, क्या शॉट दिया तुमने। मैं तुम्हारा फैन हो गया भाई। थैंक यू भूमिका। दूसरा शॉट ले। तेरी एक्टिंग का कायल हो गया मैं, ऑस्कर पक्का है, कमाल कर दिया। ये लोग तो अब ताली बजा रहे हैं। मैंने तो उस दिन ही तुम्हारे अंदर का टैलेंट देख लिया था। क्या एक्टिंग की है तुमने। अगर देवी की जगह मैं होती ना तो उसी सीन में डायरेक्टर से कह के हम दोनों की शादी करवा देती। कुछ कहानियां नहीं बदलती।
अगर मन में सच्चा प्यार हो ना तो सब कुछ बदल सकता है। दिन भर भूमिका के पास मंडराता रहता है। जा जाकर इमली बेच जा। अरे बुढ़िया कितना चिल्लाती है, हार्ट फेल हो जाए। इसकी आवाज नहीं लाउडस्पीकर है। ए, इधर आ। जा तुझे बुला रहा है। मेरे हाथ में चोट लगी है, चल खिला मुझे। हाँ? खिला मुझे। अगर मन में सच्चा प्यार हो ना तो सब कुछ बदल सकता है। अरे अरे आराम से। पानी। अरे कब तक आवारा सांड की तरह घूमता रहेगा? अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए किसी न किसी से शादी तो करनी पड़ेगी ना बेटा। चाहे तेरी कितनी भी बड़ी सल्तनत क्यों ना हो, बेगम के बिना बादशाह की कोई हैसियत नहीं। शादी कर ले बेटा। आप लोगों ने शोले पिक्चर देखी होगी, लेकिन सीटी मार देकर आपकी सीटी निकल जाएगी। माँ कसम बोल रहा हूँ, देखना जरूर। मेरी बेगम ने मुझे तलाक दे दिया, मैं सड़क पर आ गया, लेकिन फिल्म बनाने में नो कॉम्प्रोमाइज। हाँ हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई एम सो सॉरी, मैं अभी भी हिंदी सीख रही हूँ। थैंक यू। भोजपुरी की मशहूर हीरोइन होकर झूठ बोल रही हो? अरे ऐसा करेंगे तो वैल्यू बढ़ेगा ना। अरे बाप रे, कई गधे मेरे शागिर्द रहे हैं, इस गधे ने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। अब मैं उस्तादी से रिटायरमेंट ले रहा हूँ। सेकंड हीरो बनना था, एक सेकंड में ही हटा दिया। सेकंड हीरो नहीं बन पाया उसका गम है, पर अभी डायरेक्टर बन गया उसका ज्यादा गम है। उम्मीद करता हूँ पिक्चर हिट हो। सबको मेरा प्रणाम, बहुत ही मेहनत से पिक्चर बनाई है, प्लीज पायरेसी मत करना। एक बात याद रखना, मुझ जैसे गुंडे को हीरो बनाने वाला ये डायरेक्टर अभी है, पर मेरे अंदर छुपे हीरो को देखने का काम भूमिका का है। कमाल की नजर है। ए शाने लोग रुको रे, इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊं मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए अपने डायरेक्टर अभी को एक खोली गिफ्ट किया। जनता पागल, पैसा वसूल। और हाँ, मुझे हीरो बनाने वाली भूमिका को अपनी लाइफ की हीरोइन बनाऊंगा। हाय मेरी बच्ची कुछ जिंदगी भी तेरे नाम। ए बुढ़िया आप तो खुश है ना? तेरी मुराद पूरी हो गई। हाय किसी की काली नजर ना लगे, शादी का सुन के शर्मा गई छोकरी। जिस दिन अब उनकी पिक्चर रिलीज होगी उसी दिन भूमिका से शादी करेगा। क्या बोल रही है? और हाँ भाई लोग, उस दिन कोई घर पे चूल्हा नहीं जलाना, सबके लिए दाल बाटी चूरमा फ्री। गणेश की बात सुनी ना तुमने? गणेश एक बार जो ठान लेता है वो करके ही रहता है। अगर तुमसे मेरी शादी नहीं हुई तो तुम्हारी फिल्म रिलीज होने से पहले मैं अपनी जान दे दूंगी। भूमिका, भूमिका। हाँ और चाहिए तो भेजता हूँ। हमारे गणेश भाई की फिल्म बन गई है सिटी मार। पिक्चर अच्छी लगे ना लगे पूरी देखना, आधी पिक्चर में कोई भी उठे ना गर्दन काट देना। अगर फिल्म देखने नहीं आए तो तुम्हारे घर में अंगार लगा देंगे। ए, अवेंजर्स के लिए ना पूरी की पूरी दुनिया वेट कर रही है, लोग सुपरस्टार को देखेंगे, तेरे उस टुच्चे गणेश की फिल्म लगाकर मुझे बर्बाद नहीं होना है। अरे भाई मैं तो बर्बाद हो गया, गणेश की पिक्चर ही लगाने का था भाई। भाई सुबह से शाम तक थिएटर में रहने का, खाना वाना साथ में लेके आने का, चारों शो देखने का, हिलने का ना, सिटी मार पूरा देखने का, सिटी बजाने का एकदम जोर से। सिटी मार, सिटी मार, सिटी मार, जिसे देखो उसकी जबान पर यही नाम है। इस फिल्म में हीरो का किरदार फेमस गैंगस्टर गणेश ने निभाया है।
लोगों की जुबान पर एक ही नाम है गणेश गणेश गणेश। फाइनली सुपरस्टार यहाँ आ गए। पहली बार एक गुंडा हीरो बन गया। इंडस्ट्री में आजकल कुछ भी हो रहा है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। हट रे, चल रे, चल, हट, चल, हट, चल। अरे बस 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 बस। ठीक है ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप अंदर जाओ, मैं अपने घर वालों और भूमिका को लेकर आता हूँ। ठीक है भाई, वो डायरेक्टर भाभी को लेके भाग गया। हाँ, अरे बैठे क्या हो, चलो लेके आते हैं। लाइफ में पहली बार श्रीदेवी से प्यार किया, धोखा देके छीन लिया मुझसे, सालों बाद फिर प्यार कर बैठा, फिर से अपुन को धोखा इच मिला, लेकिन पहले अपुन चुप था, लेकिन आज आज अपुन चुप नहीं बैठेगा साला। ए, बस ट्रेन प्लेन रिक्शा सब जगह उसे छान मारो और जहां मिले उसे घुटने के बल खींच कर यहाँ लाओ। जाओ, अभी को मैं अपने हाथों से खुद मारूंगा। फिल्म के लिए भले ही मैं हीरो हूँ, लेकिन असल जिंदगी में आज भी अपन विलन ही है। कन्या बेटे शांत हो जा। ए बुढ़िया, अभी को तो मैं मारूंगा, ज्यादा बोली तो तेरे को भी नहीं छोड़ूंगा। कन्या क्या कर रहा है, मैंने तुझे आज तक औरतों पे हाथ उठाते नहीं देखा। आज औरत जात से मेरा भरोसा उठ गया, समझा क्या? तेरी पोती की वजह से आज मैं पब्लिक में 2% का जोकर बन के रह गया हूँ, समझी? लोगों में मेरा डर खलास हो गया है। दिखाऊंगा, मैं उसे दिखाऊंगा कि मेरे अंदर कितना बड़ा शैतान छुपा हुआ है। अभी को मैं ऐसी भयानक मौत दूंगा कि गणेश का नाम सुनकर लोगों की सांसें थर थर कांपने लगेंगी। ए, जल्दी से फोन लगाकर एमएलए से मेरी बात करा। एमएलए साहब तो गुजर गए, रिलीज के वक्त आपको दुखी नहीं करना चाहता था। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप हमें छोड़कर चले गए। कितने अच्छे थे आप। माँ जी चाय? थोड़ा सा अदरक डाल के ला, मेरा गला खराब हो गया है। ठीक है माँ जी। अरे तू विधवा हो गई रे। मुझे चनिया चोली दिलवाने से पहले ही दुनिया छोड़कर चले गए। अरे सिटी मार फिल्म का हीरो है ये, मैंने देखा, बहुत कड़क है। हौसला रख भैया, तुमने सिटी मार फिल्म में काम किया है ना? हाँ चाची, यही है उस पिक्चर का हीरो। वाह, सच में ही तू गुंडा दिखता है, क्या फाइटिंग किया तूने, डिशुम डिशुम, तू गुंडा नहीं है, गुंडों का बाप है। थैंक यू। भगवान की उम्र लंबी करे, तू हमेशा गुंडागर्दी करता रहे। अरे मेरी चनिया चोली रह गई रे। ए, तेरे बापू का अंतिम संस्कार एकदम धूमधाम से होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का, लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। ये तेरी गलत फहमी है, मतलब ही निकले सब के सब, कोई झूठे आंसू रोने भी नहीं आया, सिर्फ डर की वजह से ही सब उनकी इज्जत करते थे। जो सामने तुम्हारी इज्जत करते हैं वही पीठ पीछे मौत की दुआ मांगते हैं।
इसीलिए मैं हमेशा पॉलिटिक्स और गुंडों से दूर रहा। जो सामने तुम्हारी इज्जत करते हैं वही पीठ पीछे मौत की दुआ मांगते हैं। भाई एक सेल्फी भाई भाई बोरे बोरे गणेश भाई एक फोटो इधर वो देखो गणेश ना भाई गणेश ना एक सेल्फी बाय 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 भाई सामने उसका फिर से फोन आ रहा है बात करो। काय को फोन किया? मैं आपको पता है आपका पिक्चर में कितनी बार देखा? तीन बार। अरे तीन बार देखा या 30 बार देखा तूने? मुझे क्यों पका रहा है तू? भाई स्पीकर फोन है। अरे भाई सॉलिड एक्टिंग किया। कैसे भाई कैसे किया? अबे कैसे किया कैसे किया? मैंने कैसे किया? जो डायरेक्टर बोला वही किया मैंने। हाय अंकल आपकी दाढ़ी असली है ना? हाँ, आजा नोच के देख ले आजा। ए, एक भी फोन आया तो मेरे को देना नहीं, नहीं तो काट डालूंगा। ए गनिया अभी तिरुपति जाके भूमिका से शादी करने वाला है। गणेश अन्ना ए रुक 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 पीछे ले जल्दी पीछे ले। तूने गणिया की इज्जत पर हाथ डाल के बहुत बड़ी मिस्टेक किया रे। आज तो तू गया। तुझे गलत फहमी हो रही है गणिया। जिससे तू शादी करने वाला था उसे मैं लेकर नहीं भागा, बल्कि जो मुझसे प्यार करती है उसे तू मुझसे छीन के दूर करने वाला था। भूमिका को मैं तेरे से पहले से जानता हूँ। पर उसके दिल में जगह मैंने बनाई। तुम इससे कोई प्यार व्यार नहीं है, बस उसके साथ अपनी जिद पूरी करना चाहते हो। तेरी यही बातें तेरी मौत का कारण बनेंगे। हीरो बनाया तुझे, तेरी औकात बदल दी। तुझसे नफरत करने वाले लोग तेरी एक झलक के लिए तड़प रहे हैं। तुझसे दूर भागने वाले लोग तेरे साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए मर रहे हैं। फिल्मों पे उंगली उठाने वाले उसके बिना एक दिन नहीं जी सकते। जो लोग फिल्मों और फिल्मी लोगों को बुरा बोलते हैं उनसे बड़ा पाखंडी कोई नहीं है। अगर तू फिल्म का हीरो ना बनता तो कोई कुत्ता भी तुझे नहीं पूछता। तू मुझे एक बार बेवकूफ बना चुका है, अगर मैं दूसरी बार बना तो फिर लानत है मुझ पे। ए, देख क्या रहा है इसे, खत्म कर। गणेश अन्ना ये कौन है बे? छोटे कार्तूस की बीवी। वो क्या है कि अमृता आपसे मिलना चाहती थी। कार्तूस के जाने के बाद मैं घर से निकली ही नहीं। जब आपकी फिल्म थिएटर में लगी तब आपके आदमी जबरदस्ती हमें टिकट देकर गए। बहुत दिनों के बाद हम घर से निकले और आपकी फिल्म को बहुत एंजॉय किया। पहले तो आपसे ये बहुत डरती थी ना, लेकिन अब देखिए आपको करीब से देखने की जिद कर रही थी। देखो चलती हूँ अन्ना। ये सुन, इसको पता है क्या? नहीं पता भाई। सबको लगता है प्रभाकर ने छोटे कार्तूस को मारा, इसीलिए तूने प्रभाकर को ठोक डाला। अन्ना मेरी अमृता आपसे कुछ कहना चाहती है। बोलो बेटा क्या कहना है। क्या है बेटा बोलो। अंकल आपने बहुत ढांसू काम किया है पिक्चर में।
रोक 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 रोक, पीछे ले, पीछे ले, जल्दी पीछे ले। गणेश बेटा, बेटा वहां फिल्म में तो कितना अच्छा लग रहा था, उस बड़े पर्दे पे तू बिल्कुल गरीबों का मसीहा लग रहा था। क्या तू असल जिंदगी में अच्छा इंसान नहीं बन सकता बेटा, जिसे देखकर लोग इज्जत दे, सम्मान दे। जिसकी वजह से लोग तुझसे नफरत करें, ऐसे काम करना छोड़ दे। लोगों की बददुआएं नहीं, बल्कि ऐसा काम करके लोग तुझे दिल से दुआएं दें। जब लोग तुझसे डरते हैं ना, तेरी माँ को अच्छा नहीं लगता। हमेशा तू सूरज की तरह चमके, भगवान तुझे हर मुश्किल से बचाए बेटा। मुझे जेल ना हो जाए इसलिए कोर्ट में मैंने झूठ बोला। पता होता मेरी माँ मुझसे बात करना बंद कर देगी तो मैं हंसते हंसते फांसी चल जाऊंगा। मुझसे बिना बात किए इतने साल कैसे गुजारे तुमने माँ? मुझे माफ कर दो माँ। तुझे मेरी भूमिका के साथ भागना नहीं चाहिए था। मौत का हकदार बन गया है तू अब। गणेश का पूरा नाम मिट्टी में मिला दिया है तूने, इसलिए तेरा मरना तो पक्का है। लेकिन इतने सालों से खामोश मां, आज उसने अपने गणेश से बात की। मैंने छोटा खार तो उसको मारा, आज उसकी बेटी मुझे प्यार करके गई, इसलिए सोचने पे मजबूर हूं क्या तुझे मारना सही है या नहीं। सिनेमा से बहुत पैसा मिलता है, इतनी शोहरत मिलती है, लेकिन इतना प्यार भी मिलता है, पता नहीं था मुझे। तेरी वजह से इतना प्यार मिला मुझे, इसलिए मैं भी तुझे तेरा प्यार लौटाऊंगा।
तू यहां मेरी कहानी सुनाने नहीं, मेरी कहानी बदलने आया था। भूमिका का ख्याल रखना, अगर उसे कोई दुख पहुंचाया तो। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। डायरेक्टर साहब, आलिया भट्ट का नंबर है क्या? हाँ? मैसेज कर दूंगा। बहुत चालू है। आखिर तू सपड़ गया। हम्म, कोई आखिरी तमन्ना है तेरी? मेरी तमन्ना की छोड़ रहे, आज तेरी तमन्ना पूरी करता हूं। आज से गुंडापल्ली तेरा हुआ। ऐश कर, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है। बहुत टेंशन का काम है भाई, अपने से नहीं होगा। अपन ने वो तेरी फिल्म देखी, बहुत बिल्ला काम किया। अपन को भी तेरी फिल्म में एक छोटा रोल दिलाना। करेगा? Got it. Take okay. वाह, पहली पिक्चर में स्टार बन गया तू। हाँ गणेश, अगले सीन के लिए कॉस्ट्यूम बदल लो। ओके। ए विलेन तू, असमत। एक्शन कट। मैंने क्या समझाया था, गन को ना बिल्कुल 45 डिग्रीज में पकड़ना, लेकिन तुमने उसे 47 डिग्री में पकड़ा। अगर 45 डिग्री में रखोगे तो गोली सीधे पेट में लगेगी। अच्छा छोड़ो, तुम एक काम करो, ऐसा करो गन को 47 डिग्री में ही पकड़ो, गोली सीधे सीने में लगेगी, ठीक है ना? ठीक है, टेक करें, हो जाएगा बॉस। हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हो, जैसे कहा वैसे ही करना। स्टार्ट कैमरा, एक्शन। इसे जमा करने में मैंने बहुत मेहनत की है, ये रहे उस गुंडे गणेश के खिलाफ सारे सबूत। थैंक यू, बहुत दिनों से इंतजार था मुझे इसका, थैंक यू वेरी मच। श्रीदेवी, गीजर ऑन कर दो। hey! तुम भूल गई तुमने क्या वादा किया था कि तुम गणेश को भूल जाओगी? तुमने भी तो वादा किया था कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। सारे सबूत बर्बाद कर दिए। हेलो, हेलो, गणेश से बात हो सकती है? सर शॉर्ट में बिजी हैं। आप कौन? मैं श्रीदेवी बात कर रही हूँ। नो डेट्स बॉस, ये फिल्म एक सीक्वल है ना, मैं नहीं करूंगा, सवाल ही नहीं। मैं तुझसे बताने के लिए आया हूँ, पूछने के लिए नहीं। मेरी पिक्चर में काम करेगा मतलब काम करेगा। जोक मार रहा था, समझा नहीं क्या? तेरी फिल्म सिटी मार देख के मेरी सिटी बच गई, मेरी भी फिल्म हिट कराना। हा? हाँ वैसे ये विलन्स बड़े क्यूट लग रहे हैं, मेरी फिल्म में रखना। हा? ठीक है, अभी जाओ सेट पे मिलते हैं। चलो। समझदार है। आजकल एक्टर की कोई वैल्यू ही नहीं है, दादागिरी करके फिल्म साइन करवाते हैं। मैं ये बात ऊपर तक ले जाऊंगा, फिर देखना कैसे इनकी।